ठीक है, कैमरा वगैरह सब मतलब प्रॉपर है ना, कुछ दिक्कत नहीं है, राइट? चलो यस सर, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे थोड़ा एक छोटा सा फंडा है, वो छोटा सा फंडा पहले सुन लो। आपको क्या करना है, देखो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपना मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे हम लोग वाइवा रखने वाले, ठीक है? तो पहले वाइवा अपने मुंबई के लोगों की होगी, मतलब विले पार्ले, अंधेरी, ठीक है, और बोरीवली वगैरह, और गोरेगांव, जितने भी लोग हैं अलग अलग सेंटर्स में करेंगे। अब सेंटर्स पॉसिबल नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। देखो मंडे को, मैं आपको बता रहा हूँ, मंडे को अपना विले पार्ले का होगा, ठीक है? तो विले पार्ले को कॉल आ जाएगा, जितने भी लोगों का मंडे को होगा, मंडे एंड वेनेसडे विले पार्ले होगा, क्योंकि वेनेसडे को मेरा लेक्चर भी होता है, तो वेनेसडे का थोड़ा सा कम टाइम होगा, मंडे फुल टाइम तक होगा। फुल टाइम मतलब एक 4:30 तक होगा आपका, ठीक है? वो हर एक को स्लॉट स्लॉट में बुलाया जाएगा, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसा प्रॉब्लम मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन है, ऑफिस के चालू रख रहे हैं, वैसा ऑफिस चालू नहीं रख रहे हम लोग, एक 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 बच्चे को बुला रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो ऐसा कोई दिक्कत आने वाला नहीं, होना नहीं चाहिए। लेकिन तभी भी प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग आपको जूम की लिंक भेजेंगे, ठीक है? तो फिर ऑनलाइन रखेंगे वाइवा को, ये वाला वाइवा फिर ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन हर एक का मेरे साथ इंटरेक्शन होगा, ठीक है? डायरेक्टली वन ऑन वन इंटरेक्शन, ठीक है? वीडियो ऑन रखना है आपको, जो भी चीजें पूछी जाएगी आप वीडियो से आप बताओगे, ठीक है? और मैं हर एक चीज को नोट करते जाऊंगा। जब भी आपको मैं कुछ सॉल्व करने के लिए बोलूंगा, आपको कैमरा घुमा के जहां पे भी आप जो भी चीज लिख रहे हो उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग वाइवा लेंगे, ऑफलाइन सपोज नहीं हुआ तो ऑनलाइन, ठीक है? इसमें मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों का होगा, ठीक है? ये फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों का होगा। तो मंडे एंड वेनेसडे, ये वाला मंडे एंड वेनेसडे विले पार्ले का होगा, आपको सबको पोर्शन तो पता ही है, राइट? यस ठीक है, हाँ। उसके बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे को जो है, ट्यूसडे को होगा वाकड़े का, और थर्सडे को होगा अपना अंधेरी बोरीवली वाला। अब ये दिन है, ये सारे दिन पे अपने वायवाज होने वाले हैं, ठीक है? तो इतना चीज ध्यान में रखना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मतलब हर एक दिन अपना वाइवा होगा फिजिक्स एंड मैथ का। कौन सा कहाँ पे होगा, ठीक है? मतलब ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है गाइस? ओके सर, हाँ, और जो ओके सर, क्वारंटाइन में है, जिनको एक्चुअली कोविड हुआ, ऐसा कुछ कुछ लोग होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नासिक औरंगाबाद आफ्टर एग्जाम, ठीक है? नासिक औरंगाबाद आफ्टर एग्जाम, क्योंकि वहां पे इंटर सिटी ट्रेवल हो रहा है, तो ये एग्जाम होने के बाद होगा, मतलब जो अपना जो छुट्टी वाला पार्ट है ना, तो छुट्टी वाला पार्ट जस्ट खत्म होने के बाद आपका वाइवा होगा। तो नासिक औरंगाबाद वालों को थोड़ा सा टाइम मिला है, प्रिपेयर करो, ठीक है? और बाकी लोग का मुंबई वाला अभी हो जाने वाला है आपका, ठीक है? क्योंकि हम लोग कोई ट्रैवल नहीं करने वाले हैं, ठीक है? और वैसे भी हाँ, औरंगाबाद और नासिक काफी रिस्की हो रहा है, राइट? वैसे मुंबई भी रिस्की है, लेकिन ट्रैवलिंग करना, ये करना थोड़ा सा हम लोग अवॉइड कर रहे हैं एट प्रेजेंट, ठीक है? और वो लोग अलाउड भी नहीं करे, काफी अच्छा खासा स्ट्रिक्ट करके रखा उन लोगों ने। ओके, अब गाइस सेकंड चीज ऐसी है, नोट्स बनाना, ठीक है? आपको दो से तीन चीजें करनी है, दो से तीन चीजें करनी है। मतलब पहले खास करके नीट वाले लोग, ठीक है? नीट वाला अभी तक मेरा इंट्रैक्शन हुआ नहीं है नीट वालों का, नीट वाला इंट्रैक्शन में रखने वाला हूं। नीट वाले लोग एंड इवन जेई वाले लोग, अभी आपको सबको पता है 11 का एग्जाम तो होने वाला है नहीं, राइट? यस यस सर, सर, 11 स्टैंडर्ड का एग्जाम होने वाला नहीं है। तो बोर्ड्स जो है, बोर्ड्स गाइस, बोर्ड्स जो है, बोर्ड्स का प्रिपरेशन अभी उतना ज्यादा करके फायदा नहीं है, राइट? जो लोग बोर्ड्स एंड सीईटी वाले उनको करना है, जो लोग को ऐसा सीईटी जिनका टारगेट है उनको ये भी बोर्ड्स का प्रिपरेशन अच्छे से करना है, ठीक है? तो जो लोग जेई मेन, नीट एंड जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आपको अनाउंसमेंट आ जाएगा। किसी का माइक चालू है सिद्धि? ठीक है, सर, उनके लिए अनाउंस, हाँ बोलो। सर एक बार फिर से बोलो ना, नेटवर्क इशू हाँ था। हाँ तो बता रहा हूँ ना, सुनो। तो गाइज अपना 11 का, तुम लोग का 11 स्टैंडर्ड का कोई भी एग्जाम एग्जाम नहीं, चालू है सर, आज इंग्लिश पेपर था, दिया हमने। यस नहीं, अभी जिन जिन लोग का चालू है उन लोग को तो कंटिन्यू रहेगा ना, समझ रहे हो तुम? लेकिन उसका कोई वो नहीं है ना अभी, मतलब अभी आप तो एग्जाम दो, ऐसा नहीं अभी एग्जाम छोड़ो मत। जिन जिन कॉलेज का हुआ नहीं है, अब वर्षा गायकवाड़ ने डायरेक्टली वो ट्वीट डाला हुआ है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि अभी अब 12th का बोर्ड का फोकस तो अपने को करना ही है, क्योंकि 12th का बोर्ड तो 75% अपने को लाना ही है आपके टाइम में, तो वो तो अपन बोर्ड के करेंगे। लेकिन जिन लोग का फोकस जेई एडवांस, जेई मेन एग्जाम्स है, नीट एग्जाम्स है,
तो उनके लिए हम लोग अभी कौन से लेक्चर्स अटेंड करने हैं, कौन से लेक्चर्स अटेंड नहीं करने हैं, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपका सेल्फ स्टडी का टाइमिंग बचाना है आपको, बेसिकली क्या आपके पास अप्रैल मई जून एंड जुलाई ये चार महीना है, उसके अंदर पूरा का पूरा अच्छा सेल्फ स्टडी आपने किया तो काफी काफी सारी चीजें कवर हो सकती है, ठीक है? नहीं अभी 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 नहीं, क्योंकि अभी वापस मैं एक बार रिकन्फर्म करूंगा बोर्ड के एग्जाम के बारे में, ठीक है? कि हमारा डिस्कशन आज ही हुआ है, तो वैसे भी अपने लेक्चर्स है ना, मतलब अपना छुट्टी देने के पहले लेक्चर्स है अपने, राइट? तो मैं आपको वापस एक बार रिकन्फर्म करूंगा, मतलब वापस बताऊंगा कि मेरे लेक्चर तो होने वाले ना, ऐसा मैं भागने वाला हूँ, तो वेनेसडे के लेक्चर में अपन। और गाइज प्लीज आपका जो अंदर ही आपका ये चालू हो जाता है जिन लोग का माइक, तो प्लीज माइक को बंद करके रखो, गलती से चालू होता है वो, लेकिन स्टिल ठीक है। तो अब नीट एंड जेई के लिए एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट कैसे बनाओगे, क्या आप पूरा का पूरा एनसीईआरटी लिख डालोगे क्या? नहीं, आपको क्या करना है, जैसे अभी एट पैरेलल टॉपिक, अभी क्या कौन सा टॉपिक चल रहे हैं, हीट एंड थर्म, मतलब मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, वैसे केमिस्ट्री में भी चलता होगा, ठीक है? तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स होगा, तो हीट एंड थर्मो के, सुनो, हीट एंड थर्मो का पूरा वो जो चैप्टर होगा एनसीईआरटी का, वो पढ़ डालने का, पूरा का पूरा पढ़ने का, पढ़ने के बाद उसके ऊपर के नोट्स बनाने के, ठीक है? अब उसमें क्या होगा, देखो जो चीजें अपन ने नोट्स ऑलरेडी बनाए वो वापस बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स होंगे जो अपने ही नोट्स में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? और उसमें या फिर मतलब अभी आपको अलग बुक बनानी पड़ेगी, तो अलग बुक करके एनसीईआरटी शॉर्ट नोट करके लिखो, एंड एनसीईआरटी नोट्स मतलब क्या, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं। अब थ्योरेटिकल पॉइंट कौन से हो सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको याद है हम लोग ने कून्स ट्यूब किया था, राइट? कून्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट साउंड वेव में, तो कून्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा वो अंदर एक लाइकोपोडियम पाउडर थी, राइट? तो लाइकोपोडियम पाउडर अब थ्योरेटिकल चीज होगी, राइट? तो ऐसे अलग अलग लो डेंसिटी पाउडर होती है, तो कुछ कुछ थ्योरेटिकल चीज जो अपने को रटनी होती है, तो उस चीजों के ऊपर आपको वैसे कुछ कुछ पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी से लिख के रखने पड़ेंगे, जो अपने कंसेप्चुअल वीडियोस में नहीं है, मतलब कंसेप्चुअल लेक्चर में हम लोग नहीं करते। जो अपना लेक्चर होता है कंसेप्ट लेक्चर होता है, एंड न्यूमेरिकल सॉल्विंग होता है, राइट? तो कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल सॉल्विंग तो अपना ऑलरेडी हो चुका है, राइट? कुछ पॉइंट जो मैंने मिस किया हुआ एक्चुअल लेक्चर में और जो एनसीईआरटी में है, कुछ पॉइंट्स वैसे है जो आपको लिखने हैं, समझ में आ रहा है? वो आप लिखोगे एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स में, मतलब पूरा का पूरा नहीं, तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा एनसीईआरटी लिख डालोगे, वो मत करोगे। एनसीईआरटी लिख के किसी का भला नहीं होने वाला, ठीक है? हाँ, नीट वालों के लिए बाद में तो एनसीईआरटी एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए करना पड़ेगा आपको। देखो खास करके नीट वालों के लिए केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पूरा का पूरा अच्छे से रटना होता है, मतलब अच्छे से वर्ड बाय वर्ड पढ़ना होता है, लेकिन फिजिक्स के लिए इतना जरूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि फिजिक्स में वैसे भी क्वेश्चन सॉल्विंग ही आती है, राइट? लेकिन केमिस्ट्री बायो के लिए नीट मतलब, और खास करके नीट वालों के लिए वो करना पड़ता है, ठीक है? तो वहां पे आप लोग एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स मतलब क्या, वहां पे तो आप लोग को पूरा का पूरा अच्छे से लिखना पड़ सकता है, राइट? तो वो आप एक बार आपके जस्ट एक बार सर से पूछ लेना, ठीक है? तो ये हो गया एनसीईआरटी नोट्स। दूसरा होता है एक मिनट, क्विक रिविजन नोट्स, ठीक है? तो रिविजन नोट्स होते हैं, ये गाइस ध्यान में रखना, रिविजन नोट्स का मतलब क्या होता है। अब रिविजन नोट्स क्या होते हैं, रिविजन नोट्स वो होते हैं कि जिनको सिर्फ पढ़ के आपका पूरा का पूरा रिविजन होना चाहिए, मतलब पढ़ के, मतलब आप लोग ने क्या किया, काइनेमेटिक्स का रिविजन नोट कैसे बनाओगे आप, या लेट्स से वर्क एनर्जी पावर का रिविजन नोट कैसे बनाओगे, तो रिविजन नोट्स मतलब तुम लोग पूरा का पूरा वर्क एनर्जी पावर का चार पांच पेजेस लिखा, नहीं, चार पांच पेज लिखो तो वो रिविजन नोट्स नहीं हो पाएगा ना। रिविजन नोट्स आप उसके लिए बना रहे हो कि वो एक बुक आप फिजिक्स का लेके बैठोगे तो 30 मिनट्स में जितना भी अपना पोर्शन हुआ है उसका रिविजन होना चाहिए, ठीक है? तो किसी ने बोला रिविजन नोट्स मुझे वर्क एनर्जी पावर का बनाना है, मैं बताऊं कैसे बनाना है। देखो अब वर्क एनर्जी पावर एक सपोज चैप्टर है, उसका मुझे रिविजन नोट्स बनाना है, कैसे बनाऊंगा? यहाँ पे सब लोग देखो, एकदम स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, वर्क, ठीक है? तो पहले क्या करने का, वर्क का फॉर्मूला लिखने का, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये हो गया मेरा वर्क का फॉर्मूला, ठीक है? वर्क का फॉर्मूला। अब आपको याद है कभी कभी वो अच्छे क्वेश्चन करने के लिए डीएस वेक्टर को अपन क्या लिखते थे, डीएस वेक्टर को लिखते थे अपन dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ठीक है? तो इसमें इसको देख के ना तुमको वो क्वेश्चंस कैसे, कुछ 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 टाइप के क्वेश्चंस से पता है, वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाले बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो याद आने चाहिए, ठीक है? इसका एकदम सिंपल फॉर्म क्या होगा, वर्क डन का एकदम सिंपल फॉर्म होगा फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
ठीक है, ये कब होगा, एफ कॉन्स्टेंट, फोर्स कॉन्स्टेंट होगा तब, ठीक है। तो ये चीज हो गई, इसमें वर्क हो गया, ठीक है। अब वर्क होने के बाद यहाँ पे आप ऐसा भी एक छोटा सा ग्राफ बना देने का, और एफ एस कर्व डाल देने का, और यहाँ पे ऐसा सा ग्राफ बना देने का, और यहाँ पे लिख देने का एरिया, वर्क इज ऑल्सो वॉट एरिया अंडर द एफ एस ग्राफ, ठीक है। तो इससे अपना वर्क अपना रिवाइज हो गया, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी। अब एनर्जी दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग ने देखी थी, पोटेंशियल एनर्जी होती है प्लस माइनस एमजीएच, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये सारी तो एनर्जी हो गई जो अपन ने पढ़ी थी। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जैसे कि ये हो गया, उसके बाद वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब ये था वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। इससे अपने को पता है, आपको याद था कि कौन से टाइप के वर्क हो सकते हैं, तो बाजू में लिख देने का ऐसे कौन से टाइप के वर्क, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग, ठीक है। ग्रेविटी का वर्क आपको पता है प्लस माइनस एमजीएच होता है, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो कहां पे होता है, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो कहां पे होता है, जब सरफेस क्या होता है, नीचे वाला फिक्स होता है, राइट, याद है कि नहीं। वर्क डन बाय टेंशन जीरो कब होता है, सर्कुलर मोशन में होता है, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, प्लस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ये सब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस हो गया, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी हो गया, खत्म हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में इधर लिखने का, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब माइनस ऑफ डेल्टा यू, राइट, यू एफ माइनस यू आई, राइट, डेल्टा यू, ये हो गया। इसके बाद इन दोनों को अपन ने ऐड किया था, तो आपको पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय वो सब फोर्सेस अपन ऐड करेंगे, तो आपको पता है यू कैन कंजर्व मैकेनिकल, देखो यहाँ पे मैकेनिकल वर्क, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, मतलब क्या, ये कब कर सकते हैं, व्हेन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। तो ये जो मैंने अभी लिखा ना यहाँ पे गाइस, ठीक है, ये जो मैंने लिखा वर्क एनर्जी, और सपोज मुझे लास्ट का एक पावर छोटा सा, ठीक है, और पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, राइट, ये पावर हो जाएगा, या वर्क अपॉन टाइम में पावर हो जाएगा, इतना लिखेंगे, ठीक है, आपका क्या हो गया, इतना लिख के आपका क्या हो गया गाइस, डब्ल्यू पी का पूरा रिवीजन। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं रिवीजन नोट्स, मतलब ऐसी सर्कुलर मोशन, ऐसी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ऐसी काइनेमेटिक, पूरा का पूरा मैकेनिक्स होगा, लेकिन अभी मैकेनिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको मैकेनिक्स थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। तो जो भी आशीष बोले सर ने आपको टाइम टेबल बना के रख दिया है, ठीक है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे चैप्टर्स पढ़ना है, उसके हिसाब से रिवीजन नोट्स बना सकते हो, या इवन जो आपको ब्रेक मिलने वाला 7 दिन का, वहां पे आप रिवीजन नोट्स बना सकते हो। अभी क्या करो पता है, सबसे बेस्ट आइडिया बताऊं मैं अभी आपको, हीट एंड थर्मो चल रहा है अपना, दिमाग में अभी हीट एंड थर्मो है, हीट एंड थर्मो का रिवीजन नोट्स फटाफट बना दो, राइट, मतलब पूरे के पूरे फॉर्मूला लिस्ट, हीट एंड थर्मो बना दिया, फिर उसके बाद वेव्स का बना दो, क्योंकि वेव्स जस्ट अभी उसके पहले वेव्स पढ़ाया था, तो हीट एंड थर्मो एंड वेव्स बन गया, फिर बचा मैकेनिक्स का, धीरे धीरे बनाते रहो, ठीक है, बनाते रहो। या कोई कुछ लोग तो क्या बोलेंगे सर, 1-2 दिन निकाल के हम बना देंगे, वो आपके ऊपर है, ठीक है गाइस। लेकिन समझ में शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स कैसे बनाने हैं? यस सर। आपको पता है पूरा का पूरा 30 चैप्टर्स 30 पेजेस में खत्म हो जाएंगे आपके, और जब आप एक्चुअल जेई में बैठोगे, नीट में बैठोगे, या इवन सीईटी में बैठोगे, विद इन 1 आवर या विद इन 1/2 आवर आपका पूरा का पूरा फिजिक्स रिवीजन हो जाएगा, सिमिलरली केमिस्ट्री, सिमिलरली मैथ, समझे? तो किसी के फॉर्मूले नोट्स नहीं। और फिर उसके अंदर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो नोट्स बनाया हुआ है, कभी आपको ऐसा लगा कि चलो इसमें मुझे ना एक और चीज ऐड कर देनी है, ठीक है, तो एक आप एक काम भी कर सकते हो, जैसे एक पेज आपने पूरा का पूरा एक चैप्टर के लिए रखा, तो इस पेज पे पूरा आपका फॉर्मूला लिख के हो गया, तो सेकंड पेज में खाली रखो, वहां पे कभी कभी क्या होना, जो कुछ इवन एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो अलग से होंगे, उसको फिर बाद में आप फाइनली मतलब 12th में आप उसको वहां पे ऐड करते जा सकते हो, समझ में आ रहा है? तो थोड़ा थोड़ा आप जगह भी छोड़ सकते हो चाहिए तो, मतलब एक एक पेज अपन ने डिवोट कर दिया, और छोटा सा बुक मतलब बड़ा वाला बुक लो, ये तो कोई लोग एकदम चिंदीगिरी करके एक छोटा सा बुक लेंगे और उसमें नोट्स बनाएंगे, नहीं यार, थोड़ा सा बड़ा वाला, ऐसा बड़े पेजेस वाला, लंबे वाले पेजेस वाला, A4 साइज के पेज वाला बुक करो, ले लो, समझे क्या? Yes, sir. तो ये सब करो, हाँ बोलो। वाइवा में रे ऑप्टिक्स भी होगा? नहीं, वाइवा में रे ऑप्टिक्स नहीं होगा, बस मैकेनिक्स।
हाँ बस मैकेनिक्स का टिल कोलिजन रोटेशनल मोशन एंड एसएचएम भी नहीं होगा. ओके सर. ठीक है, वाइवा में एसएचएम एंड रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा, वाइवा में टिल कोलिजन होगा और उसके बाद सीधा का सीधा अपना ये वेव्स. ठीक है सर. वो हाँ बोलो. रोटेशनल मोशन के बाद वाले मॉड्यूल्स कब मिलेंगे? मिल रहे हैं, आपको बुलाएंगे, सब आए मतलब मॉड्यूल्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. वो हम लोग शायद से मतलब हर एक को एक एक स्लॉट देके जब हम लोग वाइवा रखेंगे तभी आपको दे देंगे. ओके सर. ठीक है सर. बोलो बोलो भाई, बोलो भाई. सर हमारा आदित्य सर का लेक्चर नहीं हुआ? यस सर. औरंगाबाद वालों का? हाँ, वो आतिश सर का लेक्चर होगा तुम्हारा. ओके सर. ठीक है, वो आतिश सर नहीं, आज विशाल सर लेंगे वो लेक्चर तुम्हारा. लेक्चर नहीं मतलब वो टाइम टेबल, पूरा का पूरा टाइम टेबल कैसे क्या बनाना है. ठीक है, तो मोस्टली तुम्हारा कल सुबह या परसों सुबह होने वाला है. कल सुबह लेंगे. हाँ बोलो. ये जो आतिश सर का लेक्चर होने वाला है औरंगाबाद में, उनके लिए वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? वो ऑनलाइन होगा. मुझे देखना पड़ेगा, एक बार पूछना पड़ेगा. ठीक है, चलो. अरे एक रिक्वेस्ट है. हाँ बोलो भाई. सर ये बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट के अलावा दूसरी हो सकती है क्या? हाँ वो अभी हिडन थर्मोडायनेमिक्स होने दो, हिडन थर्मोडायनेमिक्स होने दो. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपन चालू करेंगे वो अलग बैकग्राउंड पे करेंगे, क्योंकि एक एक चैप्टर ना ऐसा ऑड मतलब अनइवन नहीं लगना चाहिए. तीन लेक्चर ऐसे ब्लैक में हो गए, फिर अचानक से व्हाइट में, व्हाइट का ब्लैक हो गया, कुछ अलग हो गया. ठीक है, वन वन मतलब एक चैप्टर पूरा का पूरा. ठीक है, खत्म होने दो सेक्शन. आज मैंने हीट एंड थर्मो लेक्चर 1 लेक्चर 2 किया तो वो आंखों के दम लग गए थे, पूरा दिन लैपटॉप के सामने. ओके ओके, ठीक ठीक चलेगा, अब मैं वो कंसीडर करते हैं. चलो अब यहाँ पे सब लोग देखो गाइस, अभी जो भी मैंने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में किया है फटाफट यहाँ पे सब लोग देखो जो भी मैंने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक किया है, एक क्विकली चीजें बताता हूं मैं यहाँ पे मैंने क्या क्या किया हुआ है. ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स में थर्मो में मैंने क्या क्या बताया अब तक, ठीक है, जो आज अपने को काम में आने वाला है. गाइस काम में आने वाला है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये रिवीजन टाइप का चीज है. ठीक है, जैसे मैंने बोला हीट डेल्टा क्यू क्या होता है, हीट क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ठीक है, हीट मैंने दिया सिस्टम को, उसकी इंटरनल एनर्जी बड़ी, वर्क डन हुआ. ठीक है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 अपन लिख देते हैं, ये सेम चीज हो गई. उसके बाद हर एक को सेपरेटली लिखने का जैसे वर्क डन हुआ. ठीक है, तो वर्क डन होता है पीडीवी, वर्क डन को पीडीवी लिखते हैं. और सपोज उसको इस चीज को इंटीग्रेशन करना है तो वर्क डन को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी भी लिखेंगे फ्रॉम V1 टू V2. तो इससे वर्क डन निकालना होता है. डीक्यू के लिए अपन ने क्या किया, कोई भी हीट हम लोग सप्लाई करेंगे तो वो होता है एनसीडीटी, राइट, एनसीडीटी होता है. अब सी डिपेंड्स कि आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक के हिसाब से सी की वैल्यू अलग अलग होती रहेगी, जिसमें फेवरेट अपनी वैल्यूज कौन सी, सीवी एंड सीपी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर. मतलब आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अपन ने सीवी एंड सीपी बोला हुआ है. ठीक है, तो डीक्यू हो गया. फिर डीयू के लिए अपन ने अच्छा खासा अपना एक इक्विपार्टीशन थ्योरम से अपन ने एनर्जी डिराइव की थी, और वो हम लोग ने बोला था कि एन सीवी डी टी होती है, या कभी कभी एन इंटू एफ बाई टू इंटू आर डी टी होता है, राइट. अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ध्यान में रखना, इस सीवी को यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, एफ बाई टू बोलेंगे. तो अब यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे सीवी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ बाई टू आर हो गया, वेर एफ इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट. सीपी जो होता है, सीपी होता है एफ प्लस टू बाई टू. अब एक मिनट, अब इसके ये लिखने के पहले सीपी एंड सीवी के अंदर का एक छोटा सा रिलेशन भी लिख देता हूं मैं. सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है. इसको हम लोग बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, जो कहां से मिला, आइसोबारिक प्रोसेस से मिला. ठीक है, इसके बाद हम लोग सीपी की वैल्यू अपन यहाँ पे लिख देंगे एफ प्लस टू बाई टू इंटू आर. ठीक है, और यहाँ पे अपन ने देखा सीवी की वैल्यू कितनी देखी, एफ बाई टू इंटू आर, जो यहां से ही मिला, राइट. तो ये चीज ध्यान में रखना. फिर गामा की वैल्यू अपन ने डिसाइड की CP by CV, which is F by 2F, right?
फिर मोनोएटोमिक, डायएटोमिक एंड पॉलीएटोमिक के लिए अलग 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 एफ होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होंगे. मोनोएटोमिक के लिए एफ की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी. डायएटोमिक के लिए 5 हो सकती है, 7 भी हो सकती है, राइट. 7 किसके लिए होगी? विद हाई टेम्परेचर, मतलब उसमें वाइब्रेशन भी आ जाएगा. फिर पॉलीएटोमिक के लिए एफ की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी. तो यहाँ पे आपको चाहिए तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट में लिखो ये मोनोएटोमिक, तो मोनोएटोमिक के लिए एफ की वैल्यू 3, डायएटोमिक, डायएटोमिक के लिए एफ की वैल्यू 5 और एफ की वैल्यू 7, ठीक है. टेम्परेचर यहाँ हाई हो गया यहाँ पे. एंड पॉली के लिए एफ की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी. इन जनरल एवरेज वैल्यू लिखते हैं अपन अपने क्वेश्चन में. कभी कभी सपोज वहां पे मेंशन किया रहेगा पॉलीएटोमिक के लिए, तो एफ की वैल्यू वो क्वेश्चन में बदल के भी दे सकते हैं, ठीक है. ये होने के बाद ये इंपॉर्टेंट था जो अपना हो चुका था, ये अपने दिमाग में रखना है हमेशा. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज PV = nRT, तो हमेशा दिमाग में रखना होता है. तो PV = nRT इक्वेशन एकदम अपना गैस लॉ है, एकदम दिमाग में रख दो. इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी दिमाग में रखो क्योंकि हर जगह यूज आएगा. dP×V + P×dV = nRdT. ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन उसका डिफरेंशियल फॉर्म. कोई दिक्कत है क्या गाइस? देखो ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये हमेशा ना अपने दिमाग में साथ में लेके चलना है, ठीक है. ठीक है, तो ये मैंने आपको इधर तक अपना हुआ था, ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में है ना, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपके दिमाग में है, ठीक है. अब मैं क्या बताऊंगा, अब मैं थोड़ा सा अगले पेज में जाता हूं और बोलूंगा आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, इन दो प्रोसेस में क्या क्या फर्क है, ठीक है, क्या क्या चीज है. तो मैं आगे के इसमें लिखता हूं. मैं चाहिए तो इतना भी आपको चाहिए तो इतना लिख के रखो, काम में आएगा ये, इतना काम में आएगा, ठीक है. मैं आगे भी लिखूंगा लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्क डन इन आइसोथर्मल क्या था. गाइस, वर्क डन इन आइसोथर्मल क्या था? सो वर्क डन इन आइसोथर्मल होता है nRT ln of V final by V initial V2 by V1, ठीक है. ये होता है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस. वर्क डन अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग होता है, पता है, मतलब वो तो आपको पता ही है कि चार प्रोसेस का मैंने आपको करवाया था. हाँ, अब एडियाबेटिक के लिए, गाइस, एडियाबेटिक के लिए हम लोग ने डिराइव किया था PV to the power gamma = constant. और आपको पता है बाकी जो TV VT वाला जो फॉर्म है वो सीधा PV = nRT डाल के आपको करवा सकते हैं. तो ये वो जो चीज था जो एडियाबेटिक के लिए था, राइट. तो एडियाबेटिक के लिए अपन ने ये पिछले इसमें डिराइव किया था, याद है सबको ये चीज, PV to the power gamma = constant. और फिर अपन ने वर्क डन इन एडियाबेटिक भी डिराइव किया था. वर्क डन एडियाबेटिक क्या था? P initial V initial - P final V final / gamma - 1, ये था एडियाबेटिक का वर्क डन, ठीक है, एडियाबेटिक का वर्क डन. तो ये दो चीजें एडियाबेटिक के लिए दिमाग में रखो. एडियाबेटिक कौन सी प्रोसेस होती है? कि जहां पे डेल्टा क्यू हमेशा कितना होता है? 0 होता है एडियाबेटिक में. तो ये मैंने एडियाबेटिक के लिए लिखा था, राइट. तो जो भी मैंने अब तक पढ़ाया इतना ही था, इससे और कुछ था क्या? अब जब आप लोग को रिविजन नोट्स बनाने हैं, जो आपको रिविजन नोट्स बनाने हैं, तो आपको क्या करना है, इसके आगे कैलोरीमेट्री, मतलब इसके पीछे कैलोरीमेट्री और KTG इसका भी डाल दो. तो एक पेज या दो पेज में, एक इधर का पेज में सारे के सारा आपका पूरा का पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का रिविजन हो जाएगा लिख के, मतलब क्विक रिविजन नोट्स हो जाएंगे आपके लिख के, समझे. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये बाद में कर लो. हाँ, आज के डेट का पोर्टल हमें, मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा लंबा रखूंगा. यहाँ पे देखो, चलो ये समझ में आ रहा है, इतना तक क्लियर है क्या, पहले वो बताओ. यस सर, क्लियर. यस सर. तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं गाइस. अभी कुछ चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है. अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं एडियाबेटिक प्रोसेस वापस यहाँ पे जो मैंने बताया था वो लिखता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे दो चीजें लिखते हैं, दो प्रोसेस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबेटिक, ठीक है. आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबेटिक. आइसोथर्मल में क्या कॉन्स्टेंट होता है? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है. और यहाँ पे देर इज नो हीट फ्लो, डेल्टा क्यू 0 होता है, मतलब बेसिकली जो भी गैस है उसको कोई हीट ही अंदर नहीं जाएगी, हीट फ्लो अंदर 0 होगा गैस के लिए, ठीक है. अब ये होगा आइसोथर्मल एडियाबेटिक. तो पहली चीज, तो आइसोथर्मल में आप देखोगे हम लोग इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है, थोड़ा सा इंडिकेटर डायग्राम देखते हैं यहाँ पे. तो एक तो हम लोग ने देख लिया कि भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे
तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इसका इक्वेशन था। एडियाबेटिक का इक्वेशन अपन ने क्या डिराइव किया था, पीवी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये डिराइव किया था राइट। ये इसका इक्वेशन था, ये इसका इक्वेशन था, वर्क डन तो मैंने लिख दिया ठीक है। वापस किसी का यार माइक चालू है, देख लो भाई ठीक है। तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड पीवी टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दो इक्वेशंस, एक इसके लिए था राइट। गैमा डिपेंड करता है, गैमा अलग अलग मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक के लिए अलग अलग होता है जो अपन ने देख लिया। अब किसी ने बोला सर इसका ना थोड़ा सा इंडिकेटर डायग्राम बनाओ ठीक है। इंडिकेटर डायग्राम मतलब क्या, वो पीवी वाला डायग्राम। तो ये तो अपन ने बना दिया था, ये डायग्राम तो अपन ने ऑलरेडी बनाया था ठीक है। ये सपोज प्रेशर है, वॉल्यूम है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एग्जैक्टली ऐसे हाइपरबोला इस तरीके का रहेगा ठीक है। ये बेसिकली क्या रहेगा, इसका डायग्राम रहेगा। अब एक्चुअली आपको पता है आइसोथर्म एडियाबेटिक का भी डायग्राम आप देखोगे तो पीवी डायग्राम कुछ ऐसे ही रहेगा, कर्व ऐसे ही रहेगा ठीक है। तो अब सपोज दोनों डायग्राम को मैंने ओवरलैप किया तो डायग्राम्स कैसे दिखेंगे, क्योंकि ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन यहाँ पे टू द पावर गैमा है, यहाँ पे कुछ नहीं, टू द पावर वन है, वी टू द पावर वन है, यहाँ पे वी टू द पावर एक नंबर है गैमा राइट। तो कैसे दिखेगा, कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है गाइस, स्लोप ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्लोप निकालू, मुझे बताओ व्हाट इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द कर्व, इसका स्लोप क्या होता है। स्लोप को हम लोग क्या लिखते हैं, डीपी बाई डीवी बोलते कि नहीं बोलते भाई। स्लोप इज नथिंग बट वॉट, डीपी बाई डीवी ना, डीवाई बाई डीएक्स। वॉट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज वॉट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट। तो इसका भी जो स्लोप होगा, इसका भी स्लोप होगा, इसको भी अपन क्या लिखेंगे, डीपी बाई डीवी। अब डीपी बाई डीवी की वैल्यू दोनों के लिए निकालनी पड़ेगी ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मुझे तो इन दोनों लाइन का स्लोप क्या आएगा, माइनस आएगा ना भाई, दोनों लाइन का स्लोप क्या आएगा यहाँ, इसका और इसका, इन दोनों लाइन का स्लोप क्या आने वाला है, दोनों लाइन का स्लोप जो है वो निगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, निगेटिव में आएगा। हाँ, जो ज्यादा निगेटिव वो ज्यादा स्टीप होगा, समझे क्या, जो ज्यादा निगेटिव वो लाइन उतनी ज्यादा स्टीप होगी राइट। आपको पता है ना, मतलब मुझे बताओ ये लाइन और ये लाइन किसका स्लोप निगेटिव में ज्यादा है, मतलब सपोज इसको मैंने इसका मैंने इसका स्लोप मैंने माइनस टू लिखा तो इसका माइनस फाइव हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे हो गया ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये चीज दिमाग में रखो मैथमेटिकली। तो अब एक बार काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं डीपी बाई डीवी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। भाई डीपी बाई डीवी की वैल्यू निकालने का एकदम सिंपल तरीका ठीक है, एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या करना होता है डीपी बाई डीवी की वैल्यू के लिए। क्या करना होता है, कुछ नहीं, अपना इक्वेशन लिखो सिंपल ठीक है, अपना इक्वेशन लिखो डीपी बाई डीवी की वैल्यू निकाल, मतलब समझ में आ जाएगी। अब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव लो ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वेशन है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करो dP इंटू वी, यू वी रूल ठीक है, dV इंटू P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे dP बाई dV की वैल्यू क्या हो जाएगी, dP बाई dV की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस P बाई V हो जाएगी भाई। तो यहाँ पे तो dP बाई dV की वैल्यू माइनस P बाई V हो गई। इसमें देखते हैं PV टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ठीक है। अब यहाँ पे बताओ मुझे, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे dP इसका डेरिवेटिव V टू द पावर गैमा वैसा का वैसा, प्लस इसका डेरिवेटिव गैमा V टू द पावर गैमा माइनस वन राइट, इंटू dV P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यू वी रूल लगाओ ना, मतलब P का डेरिवेटिव ये ऐसा का ऐसा, इसका डेरिवेटिव ये ऐसा का ऐसा ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना है आपको। अब इसमें चाहिए मुझे dP बाई dV, तो एक काम करो पहले v टू द पावर गैमा माइनस वन से डिवाइड करो ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा dP इंटू v बचेगा, ये डिवाइड किया तो गैमा v टू द पावर गैमा माइनस वन से पूरा डिवाइड किया है ठीक है। तो यहाँ से हट जाएगा ये चीज, यहाँ पे आएगा गैमा इंटू dV P इज इक्वल टू जीरो। ये अपने वेव्स में भी किया था इस टाइप का इक्वेशन राइट, वेव्स में भी कुछ कुछ चीजें ऐसी टाइप की थी। अब dP बाई dV, अब याद करो आप गाइज, याद करो मैं वेव्स में बेसिकली वेव का स्पीड, पता है बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी होता है, मैंने आपको बोला था, न्यूटन ने बोला था आइसोथर्मल, फिर लैपलास ने करेक्शन किया था, तो वो जो चीज है वो भी इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे dP बाई dV की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे आप देखोगे
तो यहाँ पे डीपी बाई डीवी की वैल्यू आई माइनस गैमा, ठीक है, माइनस गैमा पी बाई वी। तो अब यहाँ पे देखो माइनस गैमा पी बाई वी, आप देखो ना मोनो एटोमिक पकड़ो, डाई एटोमिक पकड़ो, पॉली एटोमिक पकड़ो, गैमा की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, किसी में 1.6 है, किसी में 1.4 है, किसी में 1.3 है, गैमा की वैल्यू ज्यादा है, तो मुझे तो स्लोप कौन सा स्टीप है, कौन सा ग्राफ स्टीप है, कौन सा ग्राफ स्टीप है गाइस, एडियाबेटिक थोड़ा सा स्टीप है, मतलब दोनों को अपन ने ओवरलैप कर दिया। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, दोनों को मैंने ओवरलैप कर दिया, ठीक है, दोनों अलग अलग कलर में लिख देता हूँ। ये मैंने एक ग्राफ किया, ठीक है, ये मैंने बोला आइसोथर्मल। तो अब मुझे बताओ एडियाबेटिक का ग्राफ जो होगा, मैं ग्रीन में निकालता हूँ, एडियाबेटिक का ग्राफ थोड़ा सा स्टीप होकर ऐसा आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा एडियाबेटिक का ग्राफ। अब मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सा बात बताओ, ये हो गया एडियाबेटिक का ग्राफ और ये हो गया। अब जैसे मैंने ग्राफ को ड्रॉ किया ना, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, इंडिकेटर डायग्राम है मेरी, सेम वॉल्यूम, सपोज वॉल्यूम एक्सपेंशन में सेम वॉल्यूम अपन ने इंक्रीज किया, तो किसका वर्क ज्यादा होगा, मतलब V1 एंड V2 दोनों का सेम होगा, ठीक है, तो मुझे तो किसका वर्क ज्यादा होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा, भाई आइसोथर्मल का वर्क ज्यादा होगा ना, यहाँ पे देखो भाई, भाई आइसोथर्मल ना, अरे एरिया देखो ना भाई, वॉल्यूम V1 V2 सेम किया तो आइसोथर्मल ऊपर है, आइसोथर्मल ऐसा है, नीचे जो ग्रीन वाला ग्राफ है एडियाबेटिक है, क्योंकि उसका देखो ना, इसका स्लोप देखा ना अपन ने अभी, तो देखा भाई इसका, इसके टेंजेंट का स्लोप ज्यादा है, राइट। तो पहले ये जो चीज लिखो दोनों, ये दो चीज लिखो जरा, ये चीजें लिखो जरा, फिर थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करता हूं मैं। अब कोई डेरिवेटिव समझ में आ रहा है क्या? डेरिवेटिव समझ में आता है, यूवी रूल है गाइस, गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ए यू डेरिवेटिव ऑफ पी, बी ऐसा का ऐसा, इसका डेरिवेटिव वो ऐसा का ऐसा, इस वैसा वाला डेरिवेटिव है वो। नहीं नहीं, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उनकी बात कर रहा हूं मैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा गाइस प्लीज एक बार यूवी रूल देख लेना और वापस एक बार इस चीज को लिखना, ठीक है। अपने यहाँ पे एक छोटा सा कभी कभी ना अच्छा जेई एन नीट में दोनों में एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा कैसा होता है कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है, तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर इन ग्राफ के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जो कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी, ठीक है। नहीं वो एक्चुअली क्या हुआ है कि ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा मुझे भी सीधा करना पड़ेगा, एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है, ये एक्चुअली फिक्स करना पड़ेगा। लिख के हो गया आपका, मैं कहीं आगे बढ़ू सर, 1 मिनट। आज आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को पढ़नी है गाइस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। आज इसको हम लोग खत्म करना है, मतलब खत्म करना है मतलब मैं इसके जस्ट बाद वही कराऊंगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। हाँ सर, दिस ग्राफ्स कट ईच अदर, क्या सर ये ग्राफ्स एक दूसरे को कट करते हैं, एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल? हाँ मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखा तो कट करेंगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखा है ना, इसके बाद नहीं कट करेंगे। हाँ ओके सर। सर
क्या हो गया आइसोथर्मल हो गया ना उसको एडियाबेटिक थोड़ी बोलेंगे हम लोग चलो आगे बढ़े गाइस यस सर अब कैसा होता है सब लोग यहां पे सुनो मैं यहां पे लिखता हूं एक्सपांशन एंड कंप्रेशन और यहां पे लिखता हूं कंप्रेशन कौन सा एक्सपांशन इट कुड बी एडियाबेटिक एक्सपांशन आइसोथर्मल एक्सपांशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन ठीक है अब एकदम सिंपल मतलब वॉल्यूम ही बढ़ेगा ना यार एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा अब यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ मैंने बनाया एक्सपांशन के लिए लेट्स एक पॉइंट यहां से निकला और ये मैं ऐसे कर रहा हूँ ठीक है ये अब मैं ऐसे काम कर रहा हूँ ठीक है ये इसको मैं इस ग्राफ को लेता ये वॉल्यूम लेता हूँ V1 ये वॉल्यूम लेता हूँ मैं V2 और फिर सेकेंड ग्राफ बनाता हूँ जो बनाता हूँ मैं एडियाबेटिक का तो एडियाबेटिक का ग्राफ ऐसे होगा ठीक है अब सिंपल सी बात है ये वाला जो मैं रेड में जो बता रहा हूँ ठीक है ये आइसो है आइसोथर्मल और ये है एडियाबेटिक बताओ मुझे वर्क इस केस में क्या दिख रहा है आपको वर्क डन और ये वाला जो वर्क है ये वाला वर्क है ये कौन सा वाला वर्क है एडियाबेटिक का वर्क किसका वर्क ज्यादा दिख रहा है आपको किसका एरिया ज्यादा है आइसोथर्मल बिल्कुल तो वर्क डन इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबेटिक जब एक्सपांशन होता है इसमें V2 इज ग्रेटर देन V1 राइट या एक काम करता हूं मैं इसको इनिशियल एंड फाइनल लिख देता हूं सबसे बेस्ट ठीक है ये हो गया वी फाइनल ये हो गया वी इनिशियल इसको वी इनिशियल लिख दूंगा मैं इसको वी फाइनल लिख दूंगा यहां पे देखो इसको वी फाइनल ठीक है अब कंप्रेशन में कैसा होगा ये ग्राफ को भी आपको ड्रॉ करके रखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कभी कभी लोग मिस आउट कर लेते हैं कंप्रेशन कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम क्या होने वाली कम होने वाली है अब वॉल्यूम कम होने वाली है ठीक है गाइस यहाँ पे देख लो कंप्रेशन में जब वॉल्यूम कम होने वाली है तो ये हो गया मेरा वी इनिशियल ठीक है इधर हो गया मेरा वी इनिशियल अब मुझे आना है वी फाइनल तो मैंने पहले आइसोथर्मल कर्व ड्रॉ करता हूँ ठीक है आइसोथर्मल का कर्व है और मैं यहाँ पे गया वी फाइनल अब मैंने बोला कि भाई ये है मेरा आइसो ठीक है तो मुझे बताओ एडियाबेटिक का कर्व कैसे दिखेगा ग्राफ का जिसका जो स्लोप होना चाहिए वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए स्टीप होना चाहिए तो एडियाबेटिक का कर्व ऊपर आएगा कि नीचे आएगा इधर से चालू करेंगे तो ऊपर आएगा ना ऐसे आएगा ना अरे तुम देखो ना यार एडियाबेटिक का कर्व कैसे आएगा ऊपर आएगा अब यहाँ पे मुझे बात बताओ एडियाबेटिक का कर्व सपोज ऊपर हुआ तो इस केस में ठीक है एक काम करता हूँ मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ वापस तो एडियाबेटिक का कर्व सपोज ऊपर हुआ इस तरीके से तो इसमें ये हो गया मेरा एडियाबेटिक तो मुझे तो मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे दोनों जगह पे वर्क तो निगेटिव होगा ठीक है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज किसका वर्क ज्यादा होगा एडियाबेटिक का वर्क मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है वर्क डन इन आइसोथर्मल समझ में आ रहा है क्या ये दोनों चीज बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है कभी कभी ऐसा पूछा जाता है लोग मिस्टेक्स कर लेते हैं जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिख दो इसको भी ड्रॉ करके रखो बोलो अरे वो क्या पता ये सर वो बहुत हिट कर रहा है और वो हवा की जैसे आवाज होती है वैसे आ रही है सर ओके क्या उल्टा क्यों हुआ हिट अरे स्लोप ज्यादा है ना मैंने अभी जस्ट तो बताया अभी तो बताया किसका स्लोप ज्यादा होगा यहाँ पे बताओ मुझे
इस केस में ये जो लाइन है ये इसका ये स्लोप है। अब तुम लोग को पता है ना एडियाबेटिक का हमेशा जो स्लोप ऑफ अ टेंशन ज्यादा होना चाहिए राइट। अभी तो प्रूव किया मैंने, इस केस में देखो इधर ज्यादा ही है ना स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है एडियाबेटिक का हमेशा ज्यादा होना चाहिए इसीलिए ऐसा किया अपन, समझ में आया। सेकंड केस में देखो ना, सेकंड केस में अपन ने इनिशियल पॉइंट ए लिया और इनिशियल जो मतलब कंप्रेशन हो रहा है इसलिए ऐसा दिखाई दिया। गाइस समझ में आया क्या सबको? यस सर। हाँ वो दूसरा वाला जो मेरा आतिश सर का जो यूज करता था मैं, ये मेरा वाला है जो बहुत टाइम से घर पे था वो मैंने मंगाया था जो आतिश सर का यूज, अभी आतिश सर है नहीं तो मैं उनका ही लेके आता माइक, अगले बार से मैं उनका यूज करूंगा, इनको ये दे दूंगा मैं बोलूंगा इनका मेरे को दे दो, ठीक है गाइज। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख के हो गया? यस सर। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ू? यस सर। ठीक है तो अभी हम लोग देखते हैं गाइस, अभी हम लोग देखते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मैंने यहां पे कुछ लिखा है लेकिन इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। अब कौन सा इक्वेशन, क्या इक्वेशन, देखो the polytropic process any thermodynamic process जो अपन ने discuss की है that can be expressed by the following equation। अब equation वगैरह सब कुछ बाद में देखेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ polytropic process का, एक मिनट रुको guys, सब लोग सुन रहे हैं, editor को बोलना पड़ेगा बाद में, निकाल ही दिया मैंने, कुछ काम का नहीं है, ठीक है उसके बाद important चीजें चालू होने वाली है। गाइस अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हम लोग ने देख लिया, हम लोग ने चार टाइप के प्रोसेस तो देख लिए, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, सबका वर्क निकालने आता है, सबका हम लोग ने क्या क्या चीजें सब कुछ देखा हुआ है राइट, सीपी सीवी हर एक चीज दिमाग में है। अब हम लोग देखेंगे एनी प्रोसेस, मतलब एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन अपन डिफाइन करेंगे। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, इन जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन, जेई एडवांस में और कभी कभी नीट में, ठीक है। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब क्या, देखो एक स्टेट थर्मोडायनेमिक स्टेट है, ठीक है। हाँ बोलो सर। वो माइक का कुछ करो ना, एटलीस्ट आप वो कान में रैप कर लो ना वायर, ताकि थोड़ा कान पे तो हिट नहीं होगा। प्लीज सर। सर दोनों कान में डाल दो ना, तो कुछ भी करो सर, आपका वो कॉलर माइक और वो हिट हो रहा है ना, उससे आवाज आ रहा है। ये हिट हो रहा है अभी, तो आवाज आ रहा है लेकिन अभी आवाज आ रहा है आपको, कम आ रहा है? यस सर अभी आ रहा है, कम आ रहा है, एकदम पीछे कर दिए इसको, देखते हैं थोड़ा सा कम आएगा लेकिन अभी उसको पीछे करके देखते हैं, अब मुझे आवाज आएगा तो बोला, ठीक है ये आवाज आ रहा है, अभी आवाज आ रहा है? नो सर ये अच्छा है। हाँ ये अच्छा ना, ठीक है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देखो, सो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो होती है कि जिसमें मैं वापस एकदम वापस सब वापस देखो यहाँ पे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मैंने जैसे आपको बोला दो टाइप की प्रोसेस होती है, पॉलीट्रॉपिक एंड नॉन पॉलीट्रॉपिक। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब जिसमें सी कॉन्स्टेंट होता है राइट, मोलर हीट कैपेसिटी सी कॉन्स्टेंट होता है, जिसमें अपन ने अलग अलग टाइप की प्रोसेस देखी। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे इन जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, मतलब सपोज स्टेट है ये थर्मोडायनेमिक स्टेट है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हम लोग डिफाइन करेंगे, इधर से इधर वो स्टेट चली गई, ठीक है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मतलब P1 V1 T1 से P2 V2 T2 पे चला गया, ठीक है। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 चला गया, ये जो प्रोसेस होगी अब कोई भी हो सकती है, इसमें हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है या वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है या प्रेशर कॉन्स्टेंट है या डेल्टा क्यू जीरो हो गया मतलब हीट नहीं है, नहीं इसमें हीट भी दे रहा है और सब कुछ वेरिएबल है, ऐसा भी तो हो सकता है। आइसोबैरिक में क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में क्या होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक में क्या होता है हीट जीरो होती है राइट, हीट जीरो होती है। अब ऐसा हो सकता है हीट भी दे रहे हैं
और हर एक चीज वेरिएबल है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे भाई कुछ भी हो सकता है, राइट? यस सर। हाँ, तो अब ऐसे केस में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ठीक है, ऐसे केस में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका एकदम सिंपल चीज अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम लोग लिखा जाता है पीवी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या लिखा जाता है? पीवी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब x कैन बी एनीथिंग, x कैन बी निगेटिव, x कैन बी पॉजिटिव, x कैन बी जीरो, कुछ भी वैल्यू होते हैं। x को मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी कराऊंगा, ठीक है। अब बोलते हैं x को मैं कुछ भी कराऊंगा, अब मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर c को डिफाइन करता हूँ। c को डिफाइन करने वाला हूँ, देखो कैसे करता हूँ। फीड पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है। एक तो पहले इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, चलो डिफरेंशिएट करो। x वेरिएबल है, p एंड v वेरिएबल है, तो अब मुझे तो क्या क्या होगा? पहले डीपी वेरिए डीपी यू वी रूल लगा दो, डेरिवेटिव ऑफ p इज dp, v टू द पावर x वैसा का वैसा, प्लस v टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? x v x माइनस वन dv, बराबर ना? ये होगा v टू द पावर x का डेरिवेटिव, p वैसा का वैसा इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। इक्वेशन नंबर वन आ गया। अब मुझे तो pv टू द पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, लेकिन pv इज इक्वल टू nrt भूलेंगे क्या अपन? नो सर। PV is equal to NRT अपन नहीं भूलेंगे, तो PV is equal to NRT नहीं भूलेंगे, तो PV is equal to NRT, तो भाई गैस लॉ इसको तो भूलना ही नहीं जिंदगी में कभी। इसका डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव ऑफ PV वैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ V P ऐसा का ऐसा, NRDT। कोई दिक्कत है इसमें? इक्वेशन नंबर टू? नो सर। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करें, इक्वेशन नंबर वन को ना जुगाड़ लगा के इधर लिख देते हैं, मतलब जुगाड़ नहीं, v टू द पावर x माइनस वन से डिवाइड करो, जो अपन ने पहले किया था। इसको v टू द पावर x माइनस वन से डिवाइड करूंगा तो इक्वेशन नंबर वन कैसा बनेगा? देखो v टू द पावर x माइनस वन से डिवाइड करो, तो यहाँ पे dp इंटू v बचेगा, ठीक, यहाँ से हट जाएगा x इंटू क्या बचेगा? dvp बचेगा इक्वल टू जीरो। क्या किया मैंने? इक्वेशन नंबर इधर से ही आया, क्या किया मैंने? डिवाइड, ठीक है, बाय डिवाइडिंग, यहाँ पे लिखता हूं मैं, बाय डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बाय, ठीक है, मैंने डिवाइडिंग बाय क्या? डिवाइडिंग बाय v टू द पावर x माइनस वन। अब पूरे सारे टर्म तो आपका वॉइस वो आ रहा है सर, अभी पहले से वॉइस आ रहा है, तो ये ऐसे ही रखना पड़ेगा अभी, थोड़ा आवाज सुन लो, ठीक है, और वो आवाज आते रहेगा अभी, कोई दिक्कत नहीं सर। दोनों ईयरफोन लगा लो ना, दोनों ईयरफोन लगाने से भी कुछ नहीं होगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो चीज है ये बेसिकली क्या होगा, इसको डिवाइड करो v टू द पावर x माइनस वन से, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर वन में एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर वन इसको लिख देता हूं, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन को कुछ जुगाड़ अपन करेंगे, ठीक है, कुछ जुगाड़ करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। पहले ये बताओ मुझे, dq इज इक्वल टू क्या होता है? व्हाट इज dq इज इक्वल टू? फर्स्ट ऑफ समराइज लिख देते हैं, dq इज इक्वल टू क्या होता है? du प्लस dw। dq इज इक्वल टू क्या होता है गाइस? du प्लस dw होता है, ये तो सबने पढ़ा है ना भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पे ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो dq को क्या लिखूंगा मैं? ncdt। लेकिन मैं cp cv वगैरह कुछ लिख सकता हूं क्या यहां पे भाई? मैं cp या cv वगैरह कुछ लिख सकता हूं क्या? मैं नहीं लिख सकता। du को क्या लिखूंगा? du को n cv dt उधर तो लिख ही सकता हूं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, कहीं पे भी जाओ भाई। और dw को क्या लिखूंगा मैं? pdv। क्या लिखूंगा मैं? pdv। अब pdv देखो, जुगाड़ बनाओ, जुगाड़ करो भाई। देखो यहां पे ndt 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 है, मैं जुगाड़ करता हूं, pdv का कुछ जुगाड़ करता हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। क्या मैं ये जो dv * p है, देखो यहां पे जो dv * p है, ठीक है, या dp इंटू वी है, उसको मैं माइनस ऑफ एक लिख सकता हूँ? देखो ना यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर वन से देखो, इक्वेशन नंबर वन से देखो, ये जो dp इंटू वी है, dp इंटू वी को मैं क्या लिखूंगा? माइनस एक्स इंटू पी इंटू डीवी लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन से लिखता हूँ, ठीक है। ये dp इंटू वी को, ये जो dp इंटू वी है ना यहाँ पे, इसको रिप्लेस करो माइनस किससे? माइनस एक्स dv इंटू पी से मैंने रिप्लेस कर दिया, प्लस dv इंटू पी यहाँ पे है इज इक्वल टू क्या हो गया? nrdt, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ये dv इंटू पी मतलब pdv है वो, विच इज वर्क, ठीक है।
ठीक है, तो पीडीवी को कॉमन निकालो, 1 माइनस एक्स कॉमन निकला, तो यहाँ पे मुझे क्या निकला, एनआरडीटी डिवाइड बाय क्या आया, 1 माइनस एक्स आया कि नहीं आया गाइस, एनआरडीटी 1 माइनस एक्स आया ना। अब वो पीडीवी जो इक्वेशन नंबर 3 है, अब इसको यहाँ पे डाल दो, ठीक है, फिर बाद में आपको डायरेक्टली याद रखना है, पीडीवी को यहाँ पे इसको डाल दो, क्या मिलेगा मुझे बताओ, क्या मिलेगा, एनसीडीटी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एनसीवीडीटी प्लस पीडीवी को क्या मिला, पीडीवी को क्या यहाँ पे डालेंगे, एन आर डी टी डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे बताओ पहले, डेरिवेशन में कोई दिक्कत है क्या, अब यहाँ पे एनडीटी एनडीटी कैंसिल कर दो, एनडीटी एनडीटी कैंसिल कर दो, सी सी इज इक्वल टू क्या आया, सीवी प्लस क्या आया, आर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, फॉर्मूला आया ना ये, दिस इज स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इन जनरल, जिसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, समझे, सी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर 1 माइनस एक्स, फिर एक्स इज दिस, ठीक है, एक्स इज दिस, मैं अभी इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ इसके ऊपर का, लेकिन ये समझ में आया, yes, sir. ये लेकिन जो डेरिवेशन किया है ना, देखो डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा जाता है हमेशा, लेकिन जिनको डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आता है, फटाफट पीट दो पर एक्स लिखो, डेरिवेटिव करो, पीवी एनर्जी लिखो, डेरिवेटिव करो, और ये अपना फर्स्ट लॉ, तीनों से फटाफट इसका डेरिवेशन हो सकता है ऑन द स्पॉट, बट 30-40 सेकंड्स में आपका डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है, लेकिन जेई मेन एंड नीट वालों के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, याद ही रख लेते हैं, इवन एडवांस के लिए भी याद रख लेते हैं, ठीक है, तो ये लिख दो, मोलर हीट कैपेसिटी एट एनी फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इन जनरल, ठीक है, लिखो देखो इसको, सर सर हाँ बोलो सर, यू विल बी हैप्पी टू नो आवाज बंद हो गया, हाँ नहीं मैं एकदम केयरफुली चल रहा हूँ कि ये इधर ये जो है ना इधर हीट नहीं होना चाहिए, वैसे केयरफुली चल रहा हूँ तो इसलिए मेरा ऐसा 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 दिख रहा हूँ मैं रोबोट की तरह, लेकिन आपको ये सब कुछ जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, ठीक है, डेरिवेशन के स्टेप देखो, ये बाकी तो मैथ्स है लेकिन डेरिवेशन के स्टेप आपको समझ में आ रहे हैं, yes, sir. ठीक है, डायरेक्टली आपको ये फॉर्म दिमाग में रखना है, और जब आप आपका पूरा का पूरा वो नोट एक रिवीजन नोट बनाओगे, रिवीजन नोट में पूरा का पूरा ये चीज डायरेक्टली फॉर्मूला वाइज लिख दो, ठीक है, सी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर 1 माइनस एक्स, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे जेई एडवांस के प्रॉब्लम भी इससे डायरेक्टली बन जाते हैं, ठीक है, आप डीसी पांडे के कुछ प्रॉब्लम देखो, सब्जेक्टिव लेवल 2 के कुछ अच्छे अच्छे इधर उधर आए हुए क्वेश्चन देख लो, फटाफट हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है सर। बोलो सर, वो जो शॉर्ट नोट्स जो हम बनाएंगे उसमें डेरिवेशन लिखे कि नहीं, क्या बोल रहे हैं सर, शॉर्ट नोट्स में डेरिवेशन लिखे कि नहीं, शॉर्ट नोट में डेरिवेशन थोड़ी लिखना होता है, okay, आपके एक्चुअल बुक में है ना वो, तो आपके एक्चुअल बुक में, श्रिया वो तू अभी देख ले, इतना तो तुझे मैथ्स आना चाहिए, इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 कैसे आया वो तो तुमको आना चाहिए, ठीक है, जिसको भी वो डाउट है मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने
डीपीवी को ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये आपको आना चाहिए गाइस। इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू दोनों से ये कैसे आया, एक देखो ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को लेके इक्वेशन नंबर थ्री कैसे आया, ये क्या है, मैथ से आना चाहिए। आज मैं ना ये आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये जो पीडीएफ है, ये जो पीपीटी है वो शेयर कर दूंगा मैं इसका, ठीक है, कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़े गाइस, डन सर, ठीक है, लिख के हुआ कि नहीं हुआ भाई, लिख के हुआ कि हो गया सर, डन सर, डन सर, डन सर, ठीक है। अब मुझे होता कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है पी वी टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली, ठीक है, पी वी टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली, ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसका इनिशियल टेम्परेचर है, जिसका इनिशियल टेम्परेचर है टी एंड जिसका फाइनल टेम्परेचर है, for n number of, for n is equal to let's say 2, number of moles 2 दिए हुए यहाँ पे, ठीक है, तो बोला है कि कितनी हीट लगेगी, इसकी हीट कितनी लगेगी, ठीक है, कितनी हीट लगेगी, कितनी हीट देंगे तो टेम्परेचर टी टू थ्री टी जाएगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सुन लो सब लोग, यहाँ पे देखो वापस क्वेश्चन सुन लो, PV to the power minus 1 is equal to constant, एक polytropic process है, initial temperature T था, final temperature 3T हो गया, for number of moles 2 थे, तो इसके लिए कितनी heat लगेगी, heat कितनी लगेगी, heat required कितनी होगी, तो delta Q क्या होता है guys, NC delta T होता है, right? इसमें C की value पता नहीं है, लेकिन C का formula क्या था guys, C का value formula क्या था, CV plus क्या था, CV plus क्या था, R R upon 1 minus x। अब यहाँ पे इसमें और एक चीज देनी पड़ेगी, लेट्स से फॉर मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल्स, तो मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल्स है, तो मोनोएटोमिक के लिए CV की वैल्यू कितनी होती है, 3R by 2 होती है, याद करना, ठीक है, प्लस R 1 minus minus 1, तो 1 minus minus 1 मतलब क्या, R by 2, तो यहाँ पे क्या आंसर आया, 3R by 2 plus R by 2 मतलब क्या, 2R, तो सी की देखो, तो यहाँ पे जो सी आया, देखो सी जो आया दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी आई 2R, अब मोलर हीट कैपेसिटी 2R यहाँ पे डाल दो, नंबर ऑफ मोल्स 2 थे, 2 इंटू 2R इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी थी, 3T माइनस टी, खत्म बात, तो यहाँ पे 2T 2 2 2 मतलब 8RT, ये मेरा आंसर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमको, यस सर, यस सर। और फिर उसमें कभी कभी वर्क डन दिया रहेगा, इसमें वर्क डन दिया रहेगा तो बोला होगा कि चलो एक काम करो, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तो सी कैसे कैलकुलेट करते हो समझ में आ चुका है आपको, राइट, यस गाइस, किसी ने बोला कि यहाँ पे ना वर्क डन, एक मिनट पहले ये लिख दो, ये लिख दो, जब मैंने ना ऐसा कुछ लिखा PV टू द पावर माइनस वन, मुझे पता है कोई भी आइसोबारिक आइसोकोरिक आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस है क्या, ये नहीं है ना,
क्योंकि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही है राइट, पी इज नहीं सॉरी पी इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कुछ अलग ही आ गया है चीज, तो ये कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, अब तुम थोड़ा सा यार दिमाग लगाओ भाई, एडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग क्या लिखते थे, पी वी टू द पावर क्या लिखते थे, गामा, मतलब x को किससे रिप्लेस किया था अपन, गामा से, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस x इज रिप्लेस बाय क्या, सिंपल गामा। तो मुझे तो इसके लिए वर्क डन ऑलरेडी कैलकुलेट किया था कि नहीं किया था, वर्क डन इज इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल डिवाइड बाय गामा माइनस वन, याद है? यस सर, यस सर। तो बस वहां पे गामा के जगह क्या डालने का, x डालने का। तो वर्क डन एडियाबेटिक वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस डायरेक्टली फॉर्मूला आपने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ ना, मैं वापस का डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। ठीक है, जो एडियाबेटिक का फॉर्मूला अपन ने लिखा था वर्क डन का, उसमें गामा के जगह x डाल दो, समझे? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैं डिफाइन करूंगा, मैं आपको पहले दिखाता हूँ हीट इंजिन अपने को पहले देखने, फिर रेफ्रिजरेटर अपने को डिस्कस करना है। ठीक है, फिर ये कुछ चीज बताऊंगा मैं, कॉजेस स्टैटिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है वो बताऊंगा मैं, और उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ना दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले मैंने ना ऑलरेडी आपको हर एक चीज बता दी कि क्या क्या मुझे डिस्कस करना है, और इसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस सब लोग ध्यान से देखो, पहले व्हाट इज हीट इंजन। अब हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन मतलब स्टीम इंजन, जो अपने को आपने देखा ना फोर स्ट्रोक इंजन टू स्ट्रोक इंजन, जो अपने अपने कभी स्कूटर में होता है, कार में फोर स्ट्रोक होता है, अभी तो आजकल सब जगह पे अच्छे पावर के लिए अपन फोर स्ट्रोक इंजन लगाते हैं। अब फोर स्ट्रोक इंजन हीट इंजन क्या होता है, सिंपल हाई टेम्परेचर बॉडी होती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर बॉडी, हाई टेम्परेचर बॉडी मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं सोर्स। ठीक है, तो ये हो गया सोर्स। अब सोर्स का टेम्परेचर मैं पकड़ता हूँ टी वन, और लो टेम्परेचर बॉडी जिसको मैं लिखूंगा सिंक, सिंक जिसका टेम्परेचर मैं करूंगा टी टू। ठीक है, अब यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना टी वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी टू। ठीक है, हीट इंजन में मतलब क्या है, मुझे बताओ जनरली हीट कहां पे फ्लो होती है, हीट कहां से कहां पे फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। अब इसके साथ में मैं कनेक्ट करने वाला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थोड़ा सा उल्टा पढ़ाऊंगा। अब यहां पे देखो हाई टेम्परेचर बॉडी है मतलब सोर्स का टेम्परेचर टी वन है। अब सिंपल सी बात है, हम लोगों ने देखा था ना कि यहां पे ये इंजन है, ठीक है, ये अपन ने ये जो है ना ये यहाँ पे इंजन पकड़ लेते, यहाँ पे क्या हो गया सोर्स से टेम्परे मतलब हीट फ्लो हुआ, कितना हीट फ्लो हुआ क्यू वन हीट फ्लो हुआ। ठीक है, अब मुझे क्या करना था पता है, पूरे के पूरे हीट को क्या होता है बताओ मुझे, अपने जो अपना अपने जो गाड़ियां होती है उसमें क्या होता है, फ्यूल को हम लोग फ्यूल जो होती है उसको बंद करते हैं, लाइक पेट्रोल हो डीजल हो या केरोसिन हो, उसको बंद करके वहां से एक हाई टेम्परेचर वाला रीजन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जिससे पिस्टन जो है ऊपर नीचे जाता है, राइट, पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, और पिस्टन के वजह से अपने कार के टायर्स को लगा रहता है और कार आगे जाती है, मतलब वर्क होता है। ठीक है, तो जो फ्यूल फ्यूल से जो हीट निकली वो अपने को एक्चुअल में आइडियली क्या करनी चाहिए, वो पूरी की पूरी हीट मुझे किसमें कन्वर्ट करनी है, वर्क में, मतलब उसे कार चलनी चाहिए, राइट? यस सर। बेसिकली जो मैंने हीट जनरेट की है फ्यूल को यूज करके, उसको बंद करके, वो पूरी की पूरी हीट, वो जो एनर्जी है वो मुझे कन्वर्ट करनी है कंप्लीटली इनटू वर्क। ठीक है, तो Q1 मुझे कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करना है। लेकिन होता क्या है, कुछ ना कुछ हीट, कुछ ना कुछ हीट सराउंडिंग पे क्या हो जाएगी, सराउंडिंग को सराउंडिंग पे इमिट होगी। ठीक है, ये जो होगा ये लॉस होगा ना बेसिकली। तो ये जो सिंक है ना, सिंक जनरली अपने केस में सराउंडिंग होता है। ठीक है, ये Q2 लॉस हो गया गाइस, और ये जो होता है ना ये सराउंडिंग होता है। ठीक है, सराउंडिंग होता है ये चीज। ठीक है, अब सिंपल सी बात है यार, मतलब यहाँ पे मुझे पूरे के पूरे एक्चुअली आइडियली क्या होना चाहिए था, आइडियली क्या होना चाहिए था बताओ मुझे, वर्क शुड बी इक्वल टू क्यू वन, जो मैंने हीट प्रोवाइड की फ्यूल वगैरह बंद करके, जो मैंने इधर सोर्स से ली वो पूरी की पूरी कन्वर्ट करनी मुझे वर्क में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो वर्क है ना गाइस, मैं अलग कलर में लिखता हूँ, वर्क अपना आउटपुट है, वर्क इज माई आउटपुट, एंड वॉट इज माई इनपुट, जो फ्यूल व्यूल अपन डालते हैं जिससे जलाते हैं अपन, तो ये मेरा इनपुट है, समझ में आ रहा है, क्यू वन इज माई इनपुट, वर्क इज माई आउटपुट, समझे? अभी
इसके हिसाब से मुझे बताओ, इसके हिसाब से Q1 कितने होना चाहिए? मतलब भाई भाई एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा ना यार, एनर्जी यहाँ से आई, कुछ वर्क में गई, कुछ रिलीज हो गई सराउंडिंग पे, तो वर्क प्लस क्या हो गया, Q2 हो गया, समझ में आ रहा है क्या? जो Q1 एनर्जी आई कुछ वर्क में गई, कुछ Q2 में गई, और कुछ है ही नहीं इसमें, क्या समझ रहे हैं भाई? ठीक है, अब मैं बोलता हूँ मुझे निकालना है एफिशिएंसी ऑफ इंजन, एंड इसको इटा को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी ऑफ इंजन मुझे निकालनी है, इन परसेंटेज में निकाल सकते हैं। तो क्या होता है एफिशिएंसी, हमेशा क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इनटू 100 ना, परसेंटेज में निकालनी होगी तो राइट ना। तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट क्या है यहाँ पे मुझे, आउटपुट क्या है वर्क W, इनपुट क्या है हीट Q1 जो आने वाली है 200, ये हो गया मेरा एफिशिएंसी। अब मुझे होता है वर्क को क्या लिखूंगा मैं, वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, इस इक्वेशन को मैं करूंगा, वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 माइनस Q2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे Q1 माइनस Q2 डाल दो, डिवाइड बाय Q1 डाल दो, इनटू 100 डाल दो परसेंटेज में, तो यहाँ पे 1 माइनस Q2 बाय Q1 हुआ कि नहीं हुआ गाइस? ठीक है, ये हो गई मेरी एफिशिएंसी इन परसेंटेज, इन परसेंटेज फॉर्म राइट। ये हो गया मेरा, ये वाला क्या हो गया मेरा हीट इंजन हो गया। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब मुझे आपको बताना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलते हैं बताएं, कोई भी ऐसा इंजन नहीं बनेगा जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। भाई 100% होने के लिए Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ठीक है, मुझे बताओ एफिशिएंसी को मुझे 100% करना है तो Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? Q2 शुड बी कितना? जीरो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फॉर एफिशिएंसी टू बी 100%, फॉर एफिशिएंसी टू बी 100%, Q2 की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और यही बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का, यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर हीट इंजन। ठीक है, तो मैं फट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो टाइप का है। ये हीट इंजन के लिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन अ हीट इंजन विच वर्क्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस एंड हुज ओनली रिजल्ट इज टू टेक हीट फ्रॉम द बॉडी एट सिंगल टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंप्लीटली इनटू मैकेनिकल वर्क। सो Q2 की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, और इसको हम लोग बोलते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये पूरा का पूरा वही चीज मैंने बताया ना वहां पे, भाई हीट इंजन में क्या बोला, इसका मतलब क्या है, इसका ये पूरा जो चीज लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती और Q2 की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ठीक है Q2 इक्वल टू जीरो ये नहीं पॉसिबल है, एफिशिएंसी 100% नहीं पॉसिबल है। समझ में आया? Yes, sir. कोई पंगा इसमें? फिर एक बंदा आया था गाइस, इसको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग देखो, एक बंदा था, ठीक है, एक बंदा था जिसने इसके ऊपर काम किया, उसका नाम था कार्नोट। ठीक है, कार्नोट ने क्या किया, सुनो यहाँ पे सब लोग सुनो, कार्नोट ने क्या किया पता है? ये एफिशिएंसी इंजन हुई, उसने एक ऐसा इंजन बनाया, मतलब उसने उस तरीके से उसको डिजाइन किया जिससे एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। देखो 100% नहीं है, 100% बना ही नहीं सकते। कार्नोट ने क्या किया, ऐसा कुछ इंजन बना दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूं और फिर इसके ऊपर मैं थ्योरेटिकली मैं आऊंगा। ठीक है, कार्नोट ने कुछ इस तरीके से कुछ चीज डिजाइन की, मैं आपको लिखने के लिए दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, एक कार्नोट ने एक इंजन बनाया, ठीक है, और वो इंजन इस तरीके से बनाया कि जिससे एफिशिएंसी ना मैक्सिमम हुई। तो एफिशिएंसी जो थी वो क्या हो गई, मैक्सिमम एफिशिएंसी हुई। और वो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी थी पता आपको, वो थी 1 माइनस। ठीक है, यहाँ पे सब लोग देखो Q2 बाय Q1 है, Q2 के जगह डालना है T2 और इसके जगह डालना है T1। ये था एफिशिएंसी मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर इंजन। ठीक है, तो इन जनरल मैं कार्नोट साइकिल भी ड्रॉ करवाऊंगा बाद में, अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ बताओ क्या किया बेसिकली भाई। यहाँ पे कार्नोट ने क्या किया, Q2 बाय Q1 को क्या डाल दिया, T2 बाय क्या डाल दिया, Q2 बाय Q1 को T2 बाय T1 डाल दिया ना इसमें। ठीक है, फॉर कार्नोट इंजन। अब ये क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसके पहले आप यहाँ पे लिख दो, हीट इंजन लिख दो, हीट इंजन करके टॉपिक का नाम डाल दो, पूरा का पूरा इसको ड्रॉ करो और फटाफट लिख दो।
सर बोलो सर, अगर एफिशिएंसी अगर 100 होगी तो मतलब इंटरनल एनर्जी जीरो होना चाहिए क्या उस केस में? और इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं हो सकता इसलिए एफिशिएंसी नहीं, इंटरनल एनर्जी थोड़ी है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा हीट उसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया है। इंजन सिर्फ एक मीडियम ऑफ ट्रांसफर है ना, वो चीज एनर्जी ट्रांसफर का मीडियम हो गया ना इंजन। राइट सर, सर और वो जो आगे आपने T2/T1 एफिशिएंसी वाला बताया था उसमें डज दैट मीन कि जो Q1 से Q2 जो हमारा हीट फ्लो हो रहा है वहाँ एक्सटर्नल मीडियम में मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी ही फ्लो हो रहा है और बीच में किधर एनर्जी वो वैसा नहीं, वो बताऊंगा मैं वो, उसको कार्नोट साइकिल बोलते हैं, अभी तक बताया नहीं। वही अपना फोर स्ट्रोक इंजन है जो मैक्सिमम इफिशियंट इंजन हम लोग जो बनाते हैं कोई भी कार में, वो कार्नोट इंजन होता है। ओके सर, लेकिन अब मैं एक और चीज बताने वाला हूँ, कॉजी स्टैटिक एंड रिवर्सिबल, ठीक है? तब तुमको एक और चीज समझ में आएगी। पहले ना जो भी है पहले समझने वाली चीजें लिखो, ठीक है? आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे अभी तक मैंने कुछ बोला नहीं है। पहले हीट इंजन लिखो, ठीक है? पहले क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर थोड़ा सा मतलब वो आएगा। अभी अपना बचा है हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर अपन अगले लेक्चर में करेंगे, वेनसडे एंड फ्राइडे। हाँ बोलो सर, Q2 इज द हीट लॉस्ट इन सराउंडिंग, राइट? हाँ, तो सर अगर हम अपने इंजन को लेकर उसी टेम्परेचर के सराउंडिंग में रख दे जो उसका टेम्परेचर है तो हीट फ्लो स्टॉप हो जाएगा, राइट सर? तब Q2 विल बी एक्जैक्ट जीरो। हीट ट्रांसफर करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए ना, हीट ट्रांसफर कैसे होगा? ओ यस सर, तो इसलिए कभी भी वो सराउंडिंग टेम्परेचर आएगा ही आएगा। देखो सोर्स से सिंक में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ही तो हीट फ्लो होगा, हीट फ्लो होगा तो वर्क करवाएंगे अपन, ठीक है? वो पूरा का पूरा इंजन होता है, वो इंजन का काम होता है। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स है ना, ये बहुत काम की चीज है उनके लिए बाद में। जो लोग कार के इंजन डिजाइन करते, सब कुछ डिजाइन करते, सब कुछ आने वाला है, ठीक है? अभी तो अपन आइडियल केस देख रहे हो, आपको तो नॉन आइडियल केसेस देखनी पड़ती है, ठीक है? ये हो गया? यस सर। कार्नोट के नीचे क्या लिखोगे? अभी कार्नोट का भी पहले दिखा देता हूं मैं, वो वाला चीज सर। और इसका भी मैं एक और क्वेश्चन सॉल्विंग लगाऊंगा, एक क्वेश्चन सॉल्विंग का लेक्चर लगाऊंगा मैं निहाल सर का ऑन थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि अभी अपना लॉग थर्मोडायनामिक्स मतलब कैलोरीमेट्री पूरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, ठीक है? तो क्वेश्चन सॉल्विंग वो थोड़ा सा और ज्यादा कराएंगे, मतलब 20-25 क्वेश्चन वो सॉल्व कराएंगे, वो उनके तरीके से कराएंगे, तो और तुमको तुम्हारे लिए और अच्छा जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े? यस सर। उसके पहले थ्योरी मत करो, एकदम थ्योरी अल्टीमेट कर दो बस, ठीक है? आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, इसको लिख दो, कार्नोट इंजन लिख दो। कार्नोट इंजन में लिखा है, कार्नोट ने क्या बनाया, एक अपना ऐसा मस्त वाला इंजन बनाया जिससे एफिशिएंसी मैक्सिमम हुआ, और मैक्सिमम इंजन की वैल्यू कितनी है, 1-T2/T1, तो उसने प्रूव किया। तो कार्नोट इंजन के लिए हम लोग ये प्रूव करेंगे, ठीक है? ये प्रूव करेंगे, इसी पेज पे आएंगे बाद में अपन वापस, ठीक है? और प्रूव करेंगे। डन सर। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, गाइस सब लोग सुनो, ओके?
ठीक है भाई, किसी को लिखना है लिखो, फटाफट लिखो जरा, फटाफट लिखो। आगे बढ़े गाइज, आगे बढ़े। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। मुझे तो रेफ्रिजरेटर में करते क्या हम लोग, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, अपना एक रेफ्रिजरेटर का एक रेफ्रिजरेंट चेंबर होता है राइट, और वो उस चेंबर में, मतलब उस चेंबर में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज, कोई भी अपन ने कोई भी लिक्विड रखा या कोई भी सॉलिड कुछ भी रखा, उसका उसका टेम्परेचर क्या होता है, और कम होता है राइट, और कम होता है। तो अब मैं ऐसा बोलूं गाइस, सब लोग यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो, मैं क्या करने वाला हूं, एक लो टेम्परेचर बॉडी है, हाई टेम्परेचर बॉडी। तो लो टेम्परेचर बॉडी से मैं हीट क्या करने वाला हूं गाइस, लो टेम्परेचर बॉडी ऑलरेडी है तो उससे मैं, इसको मैं सोर्स बोलता हूँ, चलो ये मैं उसको, इसको मैं बोलता हूँ सोर्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सोर्स से ही हीट निकालता हूं, लेकिन लेकिन ध्यान में रखना, सपोज मैंने इसका टेम्परेचर T1 बोला, इसका टेम्परेचर T2 बोला, ठीक है, तो इस केस में मुझे बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा है, T1। हाँ भाई, T1 बड़ा है T2 से, तो मुझे बताओ हीट फ्लो हो सकती है क्या भाई, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट फ्लो हो सकती है क्या? नो सर। भाई लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट कैसे फ्लो होगी, नहीं होगी ना, नहीं होगी राइट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है पता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करवाना पड़ता है। आपने देखा है फ्रीज में आपके रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर होता है राइट, कंप्रेसर, एसी, एसी में कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर क्या करता है, एक्सटर्नल वर्क करता है। तो ये वर्क जो हो गया ना, ये वर्क हो गया मेरा क्या, इनपुट हो गया ना गाइस, समझ में आ रहा है क्या मुझे? देखो यहाँ पे वर्क एरो देखो ना, क्या है, वर्क करना पड़ा हीट निकालने के लिए, तो हीट निकाली यहां से, तो ये हो गया मेरा आउटपुट, समझे क्या? यस सर। भाई समझ में आ रहा है कि आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लो टेम्परेचर बॉडी से अपन ने हीट निकाली, वो हीट निकालने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ा और वो फिर हाई टेम्परेचर बॉडी में चली, जो भी अपन इसको सिंग लिखेंगे, सोर्स से, मतलब यहाँ पे उल्टा हो गया ना भाई। थोड़ा सा एरोस बिरोस अच्छे से लिखो गाइस, एरोस बिरोस अच्छे से लिखो, क्योंकि रेफ्रिजरेटर हीट पंप क्या होता है, हम लोग हीट निकालते हैं, हीट निकालते हैं। और हायर, मुझे तो सराउंडिंग का, मुझे तो रेफ्रिजरेटर लग रखा है, तो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, सराउंडिंग का क्या होता है, ज्यादा होता है टेम्परेचर। तो भाई ये तो सराउंडिंग हो गया ना, मतलब हम लोग यहाँ पे, मैं इसमें जस्ट एक छोटा सा इसमें लिख देता हूँ, ये सराउंडिंग हो गया और वो रेफ्रिजरेटर का चेंबर हो गया, ये रेफ्रिजरेटर हो गया, मतलब जो अंदर, ठीक है, फ्रीज अपना, ठीक है, तो ये अपना फ्रीज हो गया और ये सराउंडिंग हो गया, ठीक है। तो अब यहां से मैंने हीट निकाली, मतलब भाई लोअर टेम्परेचर से हीट निकाल रहा हूं मैं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क जो मैं करता हूं, मुझे देता हूं, उसको इनपुट बोलते हैं, जिस जो करते उसको आउटपुट बोलते हैं। तो यहां पे ध्यान में रखना गाइस, यहां पे पहले तो मुझे बताओ यहां पे क्या होगा, Q2 प्लस W शुड बी इक्वल टू क्या होने वाला है, Q2 प्लस W क्या होने वाला है, Q1। भाई देखो ना यहाँ पे, ये एनर्जी आई, ये एनर्जी आई, ये बन गई बराबर। अब यहाँ पे ना एफिशिएंसी टर्म नहीं आएगा, क्योंकि एफिशिएंसी वाला टर्म नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऐसा टर्म आता है, ठीक है, और जिसको हम लोग बोलते हैं सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। सेम चीज भाई, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है, अब परसेंटेज में निकालें, इनटू 100 कर दो नंबर, ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट कितना है यहाँ पे, आउटपुट है Q2, इनपुट है यहाँ पे क्या, W। अब ये W को आप यहाँ पे Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो Q2 डिवाइड बाय क्या, Q1 माइनस Q2, समझ में आ रहा है क्या, इनटू 100, कोई दिक्कत? नो सर। रेफ्रिजरेटर समझ में आया सर? हाँ बोलो। तो मुझे एक डाउट था, लाइक इन हीट इंजन हम लोग ने
जो हाई टेम्परेचर बॉडी थी उसे सोर्स किया था एज वहाँ से हीट निकल रही थी एंड यहाँ पर लो टेम्परेचर बॉडी सोर्स है. तो आप प्लीज सोर्स का टी वन और सिंक का टी टू लिख सकते हैं सो दैट वी आर इन वन पैटर्न. कन्फ्यूजन होएगा रिविजन के टाइम पे थोड़ा क्योंकि वहाँ पर भी सोर्स टी वन था सो इट विल बी इन पैटर्न प्लीज. ठीक है भाई वैसा भी कर सकते हो. अभी ये क्या है ये डायग्राम मेरे को जो जिसने मतलब पीपीटी बना के दिया कन्वीनियंस के लिए जिसको भी करना है वैसे करने दो ना. अब वो कर दो तुम ना अभी. हाँ अभी चेंज मत करो अभी तुम खुद लिख दो अपने हिसाब से लिख दो वहां पर. ठीक है जैसे जो डायग्राम मेरे को पीपीटी में जो डायग्राम बना गया है उसमें मैंने पढ़ा दिया अभी. वो एक बार तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है ना तो तुम खुद बना दो ना. ओके सर. ठीक है खुद बना दो डायग्राम. अभी मैं वापस कहाँ पे चेंज करूँ ना पूरा मुझे रब करना पड़ेगा. लेकिन समझ में आ रहा है क्या मतलब कंसेप्ट समझ में आया क्या हीट पंप एंड एंट्री इंजन. ठीक है सर. बोलो सर. या सर इन दिस दी लोअर टेंपरेचर बॉडी इज अ रेफ्रिजरेटर राइट. हां यस सो लाइक वी डूइंग वर्क ऑन लाइक समथिंग एल्स ऑन दी रेफ्रिजरेटर सर. I'm not getting your point. Like the previous like a heat engine we had written like engine in the center like the circle part. Mm-hmm. And like work like the engine was doing work right. Huh. Heat engine is what? Heat engine does work. Okay. Matlab I'm converting heat into work. So heat is my input and work is my output. हीट इंजन में हम लोग करवाना होता है. एंड व्हाट इज हियर माय व्हाट इज आउटपुट हियर इन रेफ्रिजरेटर. मुझे क्या करना है मुझे बॉडी को ठंडा करना है ना. मुझे जो भी मैं चीज फ्रिज में रखूंगा उसको ठंडा करना है फ्रिजर में राइट रेफ्रिजरेटर में. तो ठंडा करना मतलब क्या मुझे लो टेम्परेचर बॉडी को और कम टेम्परेचर में करवाना है समझे. इस लो टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर और कम करवाना है ना. ठीक है तो मतलब बेसिकली क्या करना मतलब मुझे वर्क करना पड़ेगा. तो मुझे वर्क करना पड़ेगा वहां पे वर्क मिलता है हीट इंजन में. मुझे वर्क इज माय आउटपुट यहाँ पे वर्क इज माय इनपुट समझे. यस आई गॉट दैट बट लाइक ऑन व्हाट आर वी डूइंग वर्क. आर वी डूइंग वर्क ऑन द रेफ्रिजरेटर और लाइक. तेरा एको बहुत आ रहा है वॉइस में. हेलो. हाँ बोल. सो लाइक इन द प्रीवियस लाइक इन हीट इंजन द इंजन इटसेल्फ इज डूइंग द वर्क राइट. हां but then in this case we are giving the work like to whom are we like okay this circle you are yes saying. yes like what is that. okay so this circle is nothing but like main isko aisa likh sakta hu na jo pura ka pura matlab jo compressor aur wo sab kuch jo pura ka pura jo assembly hota hai usko hi hum log bol sakte hain. to engine bol do na yahan pe ye engine ho gaya compressor bol sakte isko apan. theek hai और इस केस में वो मशीन या वो पंप. ठीक है सर. जो आपने Q2 plus W is equal to Q1 लिखा है ना सर उसमें मुझे डाउट है. अगर हम वर्क कर रहे हैं और लाइक वो वर्क हो जा रहा है ना सर Q2 को निकालने में तो सर W कैसे आएगा उसमें मतलब जो पूरी हीट निकली कोई Q1 में मुझे एक एक बात एकदम सिंपल. तूने एक बॉटल रखी फ्रीजर में उधर से तूने हीट निकाला तो तेरे पास एक एनर्जी है. कंप्रेसर एक एनर्जी दे रहा है तो ये दो एनर्जी मिलके ही कहीं तो जानी पड़ेगी ना. वो सराउंडिंग पे रिलीज होगी राइट. एनर्जी कंजर्वेशन करना सर. पर वो हीट निकालने में कोल्ड बॉडी से उसमें भी सर जा रही है ना मतलब वर्क हो रहा है ना सर उसमें. हाँ तो मतलब देख तू अंदर रेफ्रिजरेशन के अंदर का तू थोड़ी देख रहा है. तू एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे देख. तू रेफ्रिजरेटर डिजाइन करेगा ना इंजीनियरिंग में जाके तब एकदम डेप्थ में सोचना. अभी के लिए क्या है मैं भाई एनर्जी कंजर्वेशन तो मैं इतना एनर्जी निकाला यहाँ से वर्क यहाँ पे गया तो वो मिलके Q1 हो गया एनर्जी कंजर्वेशन हो गया समझा. हाँ सर ठीक है.
sir. So I have one more. Sorry, sir. Let her speak. हाँ चलो अभी ये समझ में आ रहा है कि तुमको मुझे बता इसमें एकदम अभी इसके अंदर डेप्थ मत घुसो सिर्फ कोई भी परफॉर्मेंस याद रखो हीट इंजन में ये याद रखो कि क्या होता है एफिशिएंसी याद रखो हीट इंजन हीट पंप में फर्क क्या है ये डायग्राम याद रखो इसके अंदर डेप्थ में मत सोचो कि रेफ्रिजरेटर काम कैसे करेगा उसके अंदर क्या होगा उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है ठीक है तो वो करने के लिए आपको इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा वो आगे की बात है अभी अपन ट्वेल्थ में है ज्यादा देखो ज्यादा आपको क्या करना है सिंपल सी बात है आपको जेईई नीट में रैंक प्रोड्यूस करना है सीईटी में राइट तो रैंक प्रोड्यूस करने के लिए जो होता है उतना ही पढ़ो आगे का सोचो आगे का डेप्थ में जो होता है ना आउट ऑफ सिलेबस चीजें मत पढ़ो हाँ सिलेबस के अंदर वाली चीजें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो ना जितने भी चाहिए ठीक है अब तुम लोग बोलोगे रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर सर किससे बनता है उसमें क्या होता है नहीं है अपने को क्यों पढ़ना है वो चीज ठीक है सर हाँ बोलो आगे बढ़ते हैं सर सर मतलब कोल्ड कंट्रीज में हीट इंजिन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी हाँ अभी कोल्ड कंट्रीज में वो सराउंडिंग टेम्परेचर क्या होगा इसकी देख मैंने क्या बोला हीट एफिशिएंसी नहीं होता कोई फिशन परफॉर्मेंस बोलते हैं इसको राइट तो कोई फिशन ऑफ परफॉर्मेंस जो है नहीं सर हीट इंजिन में हाँ हीट इंजिन में तो ओके T2 बाई T1 की बात कर रहे हैं हाँ T2 की वैल्यू कम हो जाएगी ना और बढ़ जाएगी तो वो देखो वो सब क्या क्वेश्चंस है वो तुम थोड़ा खुद से सोचोगे ना तो तुम ही अपने अपने क्वेश्चंस बनाओ ठीक है सर हाँ बोलो बोलो कैन यू एक्सप्लेन द रेफ्रिजरेटर पार्ट का हीट वाला जो कुछ जो डिस्कशन हुआ बिकॉज मैं अब वो कंफ्यूज हो गया हूँ नहीं तो अभी कंफ्यूज मत हो जाना उसमें छोड़ दे अभी एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आया बस एनर्जी का समझ में इतना ही काफी है ठीक है इसमें कॉसी का स्पेलिंग उसने गलत लिखा है ठीक है वो डबल एस करना है गाइस लेकिन कोई दिक्कत नहीं ठीक है यहाँ पे सब लोग देखो सब लोग सुनो सही है कौन सी स्टैटिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस सब लोग सुनो एकदम लास्ट इसके बाद अपन छोटा सा ब्रेक देंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉसी स्टैटिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस समझना ठीक है गाइस सब लोग यहाँ पे देखो मुझे बताओ कैन यू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट डूइंग वर्क नो सर यू हैव टू डू वर्क इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर राइट तो वर्क डन तो होगा ही होगा वर्क डन इज इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल तो गाइज मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल एंड इज माय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है देखो यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेफ्रिजरेटर विच वर्क्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस एंड हिज ओनली रिजल्ट इज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी दिस इज नोन एज क्लॉसियस स्टेटमेंट ठीक है ऑफ द सेकंड लॉ तो ये दो स्टेटमेंट होती है मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो स्टेटमेंट्स होते हैं एक स्टेटमेंट हीट इंजन के लिए होती है और दूसरी स्टेटमेंट होती है हीट पंप के लिए मतलब रेफ्रिजरेटर के लिए सर मतलब सेकेंड लॉ सिर्फ रेफ्रिजरेटर और इंजन के टर्म्स में एग्जिस्ट करता है क्या मतलब उसका कोई इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं है अभी 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 देख सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसका इंडिपेंडेंट मतलब कैसा है कि अभी मैं दो टर्म्स और बताऊंगा जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंक्लूड किए जाते हैं ठीक है ये दो टर्म्स ध्यान में देखो एक टर्म है कॉजेस स्टैटिक प्रोसेस ठीक है नाउ व्हाट इज कॉजेस स्टैटिक प्रोसेस एंड व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस ठीक है टर्म्स ध्यान से सुनो क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन है बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होता है व्हाट इज कॉजेस स्टैटिक प्रोसेस ठीक है कॉजेस स्टैटिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है ठीक है सो मैं आपको एकदम सिंपल से बता दूं कॉजेस स्टैटिक प्रोसेस मतलब क्या होती है मैं यहां पे ही बोल रहा हूं At each and every stage, the process is at equilibrium. ठीक है मैं यहां पे लिखता हूं At equilibrium. Very slow process. बहुत ही सब लोग ध्यान से सुनो एकदम बहुत ही धीरे धीरे वाली प्रोसेस है एकदम धीरे धीरे जाता है वो देखो कैसे होता है यहां पे देखो मैंने
यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पिस्टन दिया है, ठीक है। हाँ, अब ऐसा पकड़ लो, सडनली ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो क्या हुआ मुझे बताओ क्या हुआ? यहाँ पे देखो अलग कलर दिया है ना, यहाँ पे अलग कलर दिया है, मुझे बताओ यहाँ पे सडनली क्या आ गया? उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए वैक्यूम आ गया कि नहीं आ गया गाइस? यस सर। ठीक है, अब मुझे तो इस पर्टिकुलर रीजन में एक वैक्यूम आया। अब वैक्यूम आया तो एक काम करो ना, पिस्टन ऊपर गया तो एक पर्टिकुलर रीजन मतलब पर्टिकुलर टाइम फिर उसके अंदर वैक्यूम आया, फिर पूरा का पूरा गैस क्या हो गया, इसके अंदर क्या होते गए, एक गैस इसके अंदर डिफ्यूजन हुआ, राइट? डिफ्यूजन हुआ। तो मुझे बताओ जब डिफ्यूजन हो रहा है उस पूरे टाइम तक, ये पूरे डिफ्यूजन के टाइम में क्या आप लोग प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हो? सब जगह पे यूनिफॉर्म है क्या? क्या प्रेशर वॉल्यूम डेंसिटी इन सब यूनिफॉर्म है? नहीं है, तो यू कांट डिफाइन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, राइट? उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब वो सब वेरिएबल होगा, सब जगह अलग अलग वेरिएबल होगा, तो अपन गैस फ्लो वगैरह लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते भाई, गैस लॉ वगैरह सब नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते तो भाई ये सब जो अपन पढ़ रहे वो कुछ काम का ही नहीं है, राइट? तो ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, कॉजिस स्टैटिक जो हम लोग अब तक पढ़ रहे, जो अपने सिलेबस में है, वो सारे कॉजिस स्टैटिक प्रोसेस है। मतलब क्या? स्लो प्रोसेस, समझे? अपने सिलेबस में जो भी अपन हर जगह पे हर एक थर्मोडायनेमिक स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो वहां से यहाँ पे जाने जाते वक्त अपन आराम आराम से जाते, स्लो जाते, स्लो स्लोली स्लोली जाते कि हर एक पॉइंट हम डिफाइन कर पाए, समझे? तो अपन डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे ना। मुझे बताओ सडनली मैंने गया, वैक्यूम जनरेट हुआ, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर डिफाइन ही नहीं कर पाए, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं है, तो आइडियल गैस वाला लगेगा नहीं, ठीक है, आइडियल गैस वाला लगेगा नहीं तो खत्म। तो जो भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मैं बात करता हूँ, जो हम लोग ने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ा, वो सारे कॉन्सेप्ट कैसे है, वो कॉजिस्टेटिक इन नेचर, कॉजिस्टेटिक इन नेचर मतलब वेरी स्लो प्रोसेस, और हर एक इट एट ईच एंड एवरी पॉइंट वो इक्विलिब्रियम में, मतलब एट ईच एंड एवरी पॉइंट वी कैन डिफाइन एट ईच एंड एवरी स्टेज वी कैन डिफाइन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, समझे? तो मैं यहां पर लिखता हूं, कॉजिस प्रोसेस वो होती है, वी कैन डिफाइन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एट ईच एंड एवरी स्टेज, एट ईच स्टेज, ठीक है, समझे? और अब यहां पर ध्यान में रखना, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, मैंने स्टेट वन से स्टेट टू पे एक प्रोसेस को लेके गया जिसमें हर एक पॉइंट में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में डिफाइन करते जा रहा हूं, मतलब ऑलरेडी कौन सी प्रोसेस है, कॉजिस्टेटिक प्रोसेस है। तो वन से टू गया तो टू से वन में आ सकता हूं, मैं टू से वन में सपोज उसी गैस को मतलब पिस्टन को मैं वन से टू में लेके गया और टू से वन में एग्जैक्ट वही पाथ में मैं सपोज उसको लेके आ सकता हूं, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल। तो ध्यान में रखना, पहले तो कंडीशन होगी कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए वो प्रोसेस क्या होनी चाहिए भाई, फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस शुड बी व्हाट, कॉजिस्टेटिक। कॉजिस्टेटिक तो होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट, एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस शुड बी कॉजिस्टेटिक, समझ में आ रहा है? यस सर। आप लोग ये लिखो, लिखो ये चीज, पहले तो ये लिखो कॉजिस्टेटिक प्रोसेस का ये चीज लिखो, एंड एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस शुड बी कॉजिस्टेटिक। एंड रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है कि पाथ वन से टू पे गया मैं उसी पाथ से वापस आ सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है गाइस, प्रॉब्लम क्या होता है नेचर में, मैं आइडियल, अपन जो पढ़ते हैं वो सब आइडियल चीज है, रियल में क्या होगा, रियल में मुझे बताओ यही होगा यार, पिस्टन गया तो वैक्यूम तो बनने वाला है, गैस डिफ्यूज होने वाला है, कुछ टाइम तो लगने वाला है, राइट? तो उसमें तो नॉन यूनिफॉर्म होने वाला है, तो रियल चीज है। मतलब मुझे तो रियल में कोई चीज कॉजिस्टेटिक होती है क्या, रियल में कोई भी प्रोसेस कॉजिस्टेटिक होती है क्या? नहीं होती, कोई प्रोसेस कॉजिस्टेटिक नहीं होती, कोई प्रोसेस नहीं है तो कोई रिवर्सिबल भी नहीं होगी। इसका मतलब नेचर में कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल भाई, नेचर की नॉर्मल कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जो भी अपन ने कार्नोट साइकिल, हीट इंजिन, रेफ्रिजरेटर, जो भी अपन ने अभी तक डिस्कस किया, वो सब कुछ किसके लिए वैलिड है गाइस, किसके लिए वैलिड है, कॉजिस्टेटिक एंड रिवर्सिबल की, समझे गाइस? समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो फॉर मतलब एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस इज कॉजिस्टेटिक इन नेचर, ये दिमाग में रखना है, ठीक है? चलो इसको लिख दो, इतना लिख दो और ब्रेक ले लो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है? कितना टाइम हुआ अपना, 7:50 हुआ है,
ठीक है. सो 7:50 आठ बजे मिलते हैं. हाँ बोलो. तेरा आवाज नहीं आ रहा है, वो बहुत अटक रहा है. सर आई एम ऑडिबल नाउ. हाँ, बोल. सर वो पिस्टन में हम वो पिस्टन को पुल कर रहे हैं राइट ऊपर की तरफ. हाँ. तो क्या पूछा भाई, मेरे को समझ में नहीं आया. वो पिस्टन को ऊपर पुल कर रहे जो भी है तो वैक्यूम तो हो ही गया ना, इसमें वैक्यूम हो गया तो पुल कर या गैस पुश करेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सर गैस पुश करेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स भी लाइक उसके कांटेक्ट में रहेंगे तो वैक्यूम कैसे बनेगा. तो एक सिंपल सी बात है ना, पूरा का सारे मॉलिक्यूल जाएंगे क्या वहां पे. सपोज गैस ने पुश किया और सडनली ऊपर गया तो अंदर गैप रहा ना, डिफ्यूज तो होगा ना. यस सर. सर लाइक फॉर अ वेरी स्मॉल मोमेंट राइट. हाँ तो फॉर अ वेरी तो स्मॉल मोमेंट मतलब वो डेल्टा टी टाइम. तो इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, एकदम स्लोली स्लोली ऊपर धीरे 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 ऊपर गए तो फिर एट ईच एंड एवरी पॉइंट द सिस्टम विल बी एट इक्विलिब्रियम राइट. यस सर. तो कॉजी स्टैटिक को बनाने के लिए अपने को वेरी स्लो प्रोसेस करनी पड़ती है. और तो तेरा म्यूट माइक बंद कर, बहुत गंदा आवाज है. तो वेरी स्लो प्रोसेस एंड एट ईच एंड एवरी स्टेज वी कैन देन डिफाइन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर. तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉजी स्टैटिक प्रोसेस. तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा भी बोला जाता है कि मतलब कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, कॉजेस स्टैटिक नहीं है तो इरिवर्सिबल होती है राइट. ठीक है तो 8 बजे मिलते हैं गाइस. ओके सर. ठीक है तो कॉजेस स्टैटिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस वगैरह करके लिखो, या हर एक चीज आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो वैसे. ठीक है. और इसके बाद ना ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना ये भी लिख के रखो चाहिए था. और फिर इसके बाद खत्म लिखो.
गाइस सब लोग हो जगह पे? यस सर। यस सर। यस सर। चलो सर। हाँ अब ये जिन्होंने लिखा नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और उसके बाद फिर लिख देना। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो चुका है, मतलब अभी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ना पूरा का पूरा हो चुका है एक्चुअल में देखा जाए तो। अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैं निहाल सर को बोल दूंगा कि और वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आप लोग भी पूरे के पूरे जो 5 चैप्टर्स है एचसीएमओ में, इसके 5 चैप्टर्स है एचसीएमओ वॉल्यूम 2 में, वो कर देना, ठीक है। नहीं आज जल्दी छोड़ूंगा वैसा नहीं है, मैं नॉर्मल टाइम पे करूंगा। आप सपोज 8:30 को, मतलब अपन देखते हैं, अभी कुछ कमेंट नहीं करता, 8:30 को बोलेंगे क्या होगा, ठीक है। एक 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 क्वेश्चन अपन पहले अभी सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। चलो ये वाला पहले क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर थ्री करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग करो। 3 मिनट दूंगा और फिर मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल, नेहा सर का लेक्चर बहुत हेल्पफुल ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजन कभी भी दिमाग अच्छा होता है सेहत के लिए। जब कोई भी चीज आप रिवाइज करते हो तो उसको और अच्छे तरीके समझता है वो चीज, ठीक है। हम भी जुलाई के बाद रिवीजन पूर्ण करने वाला हूं मैं, तो बहुत सारी चीजें आपको अच्छे समझने वाली तब जुलाई के बाद, ठीक है, जो अभी समझी नहीं होगी। लेकिन तभी भी इसका मतलब ऐसा नहीं कि जुलाई के बाद ही रिवीजन करेंगे, अंदर अंदर भी अपन करते रहेंगे तो और अच्छा, जितना ज्यादा रिवीजन उतना अच्छा, समझे। चलो चलो ये कर लेते, ये पहले फटाफट कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। नहीं वो सब नहीं, वाइवा विवा नहीं, वाइवा ना नॉर्मल अभी बेटर, वाइवा में तो मैं चेक करने वाला हूँ आपको कितना रिवीजन लगने वाला है, क्या लगने वाला है। क्वेश्चन करो सब लोग गाइस। ठीक है गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डरना बिल्कुल नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए, बिल्कुल सी इन द फिगर, इट एब्सॉर्ब 50 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग द पार्ट ए बी। तो यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे डेल्टा क्यू की वैल्यू, डेल्टा क्यू लिखता हूं मैं यहाँ पे, सॉरी गाइस, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, इधर क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्यू की वैल्यू एब्सॉर्ब किया है 50 जूल, ठीक है, 50 जूल एब्सॉर्ब किया हुआ है, और हीट ड्यूरिंग द पार्ट ए बी नो हीट, यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 है, सो नो हीट इन पार्ट बी सी, और रिजेक्ट 70 जूल। रिजेक्ट मतलब क्या, देखो एरोज यहाँ पे क्यू कितना रिजेक्ट किया, 70 जूल यहाँ पे रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है पहले मैंने क्या किया है। यस सर। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है, अंदर, ठीक है, बाहर निकलना मतलब माइनस होता है, अंदर घुसना मतलब प्लस होता है,
भाई हीट गेन एंड हीट हीट रिलीज, हीट लॉस, सिंपल सी बात है। अब 40 जूल ऑफ वर्क डन, देखो यहाँ पे 40 जूल ऑफ वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द पार्ट बीसी, तो बीसी पार्ट पे देखो यहाँ पे बीसी जो पार्ट है इस पार्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूं बीसी पार्ट में वर्क डन कितना हुआ है, ठीक है 40 जूल ऑफ वर्क डन ऑन द गैस, ये क्यू है ऐसे, वर्क डन 40 जूल है। एक्चुअल में देखा जाए तो बी टू सी में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो रहा है कम हो रहा है ना, देखो ना यार बी टू सी में वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क डन बेसिकली यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस, वर्क डन अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 40 लिखेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए एक काम करता हूं मैं, मतलब एक काम करता हूं अभी के लिए, तो मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ वर्क डन का, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख के रखता हूँ, ठीक है। हाँ इतना हो गया। फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट बी एंड सी इफ इट इज 1500 जूल एट ए, तो ए पे, अब मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, ए पे इंटरनल एनर्जी दिया है, इंटरनल एनर्जी एट ए दिया हुआ है 1500 जूल, तो बोला है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट बी एंड सी, बी एंड सी पे कितना होगा। देखो गाइस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एकदम सिंपल और बेसिक एग्जाम्पल है, मतलब अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसी एग्जाम्पल आते हैं गाइस। तो अपन क्या करते हैं ना, ए टू बी के लिए पहले ये लगा देते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लगा देते हैं, बराबर। हीट कितना आया, हीट कितना आया 50, मुझे बताओ वर्क कितना है इसमें, वर्क कितना है, कोई बोल सकता है वर्क कितना है, जीरो जीरो, वॉल्यूम इज कांस्टेंट ए टू बी, ऋतुजा तू अपना माइक चालू मत कर, वर्क डन इन ए टू बी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे इसका वर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी एट बी माइनस इंटरनल एनर्जी एट ए, तो ए पे तो लिखा है ना 1500, तो बी पे कितनी आएगी 1500 प्लस 50, समझ में आ रहा है क्या, यस सर, इतना आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो बी पे तो आ गई, अब मुझे तो बी पे आ गई, सी पे पूछा है, अब बी टू सी, ठीक है, अब बी टू सी में देखो, बी टू सी में भी भाई लगाओ, बी टू सी में भी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लगाओ, ठीक है। अब यहां पे गाइस, यहां पे अब यहां पे क्या पूछा है, 40 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। अब देखो यहां पे पहले मुझे था डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी दी है बी टू सी में, बी टू सी में जीरो दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, डेल्टा यू अपने को निकालना है, डेल्टा यू मतलब क्या, यू सी माइनस यू बी, राइट, प्लस वर्क डन, वर्क डन की वैल्यू कितनी है इस केस में, वर्क डन इज ऑन द गैस, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे माइनस 40 लिखेंगे, राइट, वर्क डन, समझ में आ रहा है क्या, यस सर, वर्क डन माइनस 40 लिखेंगे। अब यू बी जो यहाँ पे कैलकुलेट किया है 1550 वो यहाँ पे डाल दो, ठीक है, तो माइनस 1550 1590 आंसर आ जाएगा, तो यूसी का वैल्यू कितना जाएगा गाइस 1590, ठीक है, तो 1590 आंसर आ जाएगा। ये सब आपको आना, मतलब बेसिकली मैथ नॉर्मल वो चीज है, ठीक है, यूबी आ गया, यूसी आ गया, समझ में आ गया। अब कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग पार्ट सी ए, सी ए पे कितना वर्क होगा। देखो सी ए के लिए वर्क निकालना है ना, एक सिंपल सा, पूरा का पूरा देखो यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे देखो, साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा, देखो कोई भी साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, उधर से वापस उधर ही आया, डेल्टा यू हमेशा कितना होगा, जीरो होगा, डेल्टा यू हमेशा जीरो होगा, तो जो टोटल हीट होगी, हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही तो वर्क होगा, बराबर। अब डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, कितनी हीट आएगी, कितनी हीट यहाँ पे दी है, 50 अंदर घुसी है, 70 बाहर निकली है, तो यहाँ पे टोटल हीट कितनी आई है, 50 माइनस 70 बराबर ना, नेट हीट, ठीक है। तो डेल्टा क्यू को तो मैंने पहले ये लिख दिया 50 माइनस 70 जूल, टोटल वर्क डन कितना है, वर्क डन इन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, तो वर्क डन इन ए बी तो जीरो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी प्लस वर्क डन इन सी ए, ठीक है, ये चीज है। सी ए का वर्क अपने को निकालना है, वर्क डन इन ए बी की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू तो कितनी है भाई, जीरो है। वर्क डन इन बी सी की वैल्यू कितनी है गाइस, इसकी वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू, वर्क डन इन बी सी इज माइनस 40, तो ये माइनस 40 है, वर्क डन इन सी ए अपना निकल गया, समझ में आया, माइनस 20 प्लस 40 आंसर कितना है, वर्क डन इन सी ए कितना है 20, ठीक है। अब मैंने एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब इसमें हर एक चीज कैसे वर्क
कैसे अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही क्वेश्चन को किया जाता है आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आपको गाइस, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन खुद से आना चाहिए। 50-70 क्यों किया भाई, 50 जूल ऑफ एनर्जी अंदर घुसी तो ये प्लस 50 है और 70 बाहर निकले, टोटल हीट कितना आया, व्हाट इज टोटल हीट पूरे के पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, व्हाट इज टोटल हीट, 50 अंदर घुसी तो प्लस 50, 70 बाहर निकली तो माइनस 70, राइट। टोटल हीट को ऐड भी करना पड़ेगा ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूं फॉर प्रोसेस ABCA लिख रहा हूं, राइट, ये पूरा प्रोसेस के लिए लिख रहा हूं मैं, नेट प्रोसेस साइक्लिक ये मैं लिख रहा हूं, यहां पे जो मैंने लिखा है वो साइक्लिक के लिए लिखा, समझे क्या, मैं एज ए नेट लिख रहा हूं, तो इसलिए तो मैंने डेल्टा यू को जीरो किया ना साइक्लिक के लिए, डेल्टा यू को मैंने जीरो कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं क्या बोला, क्लास वर्क प्रॉब्लम को आपको वापस करना है खुद से घर पे जाके, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से। ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है। गाइस यहाँ पे एक चीज देखो, एंट्रोपी, एक एंट्रोपी करके चीज है, सब लोग यहाँ पर सुनो, मतलब जनरली ये केमिस्ट्री में होता है। ठीक है, सो व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी का एक इन जनरल दिखता है चेंज इन एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी इज इक्वल टू हीट अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, अब मुझे तो टेम्परेचर सपोज कॉन्स्टेंट नहीं है तो अपन इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं, दिस कॉल्ड एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होगा, dQ by T, सपोज मुझे एंट्रोपी को निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे एंट्रोपी मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या, हीट dQ, मतलब हीट अपॉन टेम्परेचर। समझ में आ रहा है क्या कहीं से? यस सर। ठीक है, फिर यहाँ पे आप इंटीग्रेशन के लिमिट्स डाल सकते हो, ये एंट्रोपी है, एंट्रोपी करके लिख दो आप लोग, एंट्रोपी करके लिख दो पहले छोटा सा, और उसके बाद एंट्रोपी का मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अपने को मिला है, तो लेट्स सॉल्व दैट एंट्रोपी का क्वेश्चन। ठीक है, लिख के हो गया एंट्रोपी, एंट्रोपी लिख के हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन है तो सॉल्व ही कर लेते हैं इसको। हाँ, क्वेश्चन सुनो, अ सैंपल ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर इज स्लोली हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री टू 87 डिग्री। ठीक है, तो मास कितना है वाटर का, 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब 0.1 kg। ठीक है, टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री मतलब कितना, 360 केल्विन, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, अब कैलकुलेट द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ वाटर, कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी भी दिया हुआ है, स्पेसिफिक कैपेसिटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस दिया हुआ है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, अब गाइस एकदम सिंपल सी बात, चेंज इन एंट्रोपी होता क्या है, अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएबल है ना, टेम्परेचर वेरिएबल हो रहा है, तो मुझे बताओ अपने को क्या करना पड़ेगा गाइस, अपने को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा क्यू, देखो बेसिकली एक्चुअल में देखा जाए, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी डीएस, चेंज इन एंट्रोपी, ये एंट्रोपी वाला है, वो एस स्पेसिफिक कैपेसिटी, एंट्रोपी क्या होता है, dQ by T। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, dQ को क्या लिखेंगे अपन, dQ क्या होगा, कोई भी 100 ग्राम वाटर अपने हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट का dQ, अरे भाई याद करो ना, dQ को क्या लिखते हैं अपन, m into s into dt, राइट। ठीक है, दिस एस इज स्पेसिफिक हीट, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, s एंड s दोनों सेम ही है यहाँ पे। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम एस डी टी अपॉन टी, देखो यहाँ पे ये चीज हो गया ना, समझ में आ रहा है कि डी क्यू को ये लिख दिया ना अपन ने, नहीं? अच्छा क्वेश्चन है। अब इस केस में मुझे चेंज इन एंट्रोपी चाहिए, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा गाइज, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे डी टी अपॉन टी, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ पे जाएगा, 300 केल्विन से लेके कहाँ पे 360 केल्विन, समझ में आ रहा है? एम एंड एस डालोगे आप लोग तो इसका आंसर क्या आएगा, मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी इंटू एल एन टी, एल एन ऑफ ठीक है, 360 by 300। कोई दिक्कत है क्या बताओ मुझे, समझ में आ रहा है इसमें? टी फाइनल बाई टी इनिशियल, ठीक है, यहाँ पे मैंने टी इनिशियल लिखा, यहाँ पे मैंने टी फाइनल लिखा, एक काम करता हूँ टी फाइनल बाई टी इनिशियल में ही लिखता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। तो ये एंट्रोपी का क्वेश्चन हो गया, सडनली एक एंट्रोपी का क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने इसका थ्योरी भी बता दिया और क्वेश्चन भी बता दिया। अब एम एस और टी फाइनल टी इनिशियल दोनों की वैल्यू डाल दो, सबकी वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ओके okay. अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ देते हैं, चलो हीट इंजन का क्वेश्चन कर लेते हैं, एक मिनट। ये क्वेश्चन करो जरा, हीट इंजन का पढ़ो जरा गाइस, एक मिनट, किसी को चाहिए लिखने, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन का, मैं ये वाला क्वेश्चन अभी है ये ले लो, या मैं देने वाला हूँ, पीपीटी देने वाला हूँ मैं, तुम पहले ये वाला क्वेश्चन करो, चलो चलो क्वेश्चन पढ़ा आपने, आप लोग ने गाइस क्वेश्चन पढ़ा क्या? हाँ, अब क्वेश्चन देखो क्या है, हीट इंजन है, तो हीट इंजन है मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, कोल, इट ऑपरेट्स बिटवीन हॉट रिजर्वर टेम्परेचर T1, ठीक है, मतलब ये सोर्स हो गया, कोल्ड सिंक हो गया टेम्परेचर T2, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, इट टेक्स 200 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वर, ये 200 जूल एनर्जी यहां से ली इसने, T2 का वैल्यू कितना दिया है, 300 केल्विन दिया है, ठीक है, इट टेक्स 200 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वर एंड डिलीवर्स 120 टू कोल्ड रिजर्वर, इसका मतलब समझ में आ रहा है तुमको? तो मुझे बताओ वर्क कितना हुआ यहां पे, वर्क कितना हुआ डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो वर्क भाई, 200 में से 120 गया, कितना बचा, 80 जूल तो वर्क आ गया, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट शुड बी द मिनिमम, देखो यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर पूछा हुआ है, इसका मतलब अपना वो मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला फंडा लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी तो आ गई, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई गाइस, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, आउटपुट, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है, तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, मतलब मैं इन परसेंटेज नहीं लिखता, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, तो 80 डिवाइड बाय कितना, आउटपुट इज 80, इनपुट इज 200, ये समझ में आ रहा है?
तो कितना आ रहा है? 0.4. हाँ मतलब 2/5, ठीक है, 0.4, 2/5, ठीक है. अब 2/5 सपोज एफिशिएंसी आ रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम टेम्परेचर? अब मुझे बताओ कौन सा वाला लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? कोई भी इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? ठीक है, हाँ मैक्सिमम, हाँ यस, मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 माइनस, ठीक है. सिंपल सी बात है, 1 माइनस क्या हो सकता है, T2/T1, राइट. तो ये जो इफिशियंसी अपनी आई है, मैक्सिमम इफिशियंसी हमेशा, मतलब कोई भी इफिशियंसी मैक्सिमम इफिशियंसी कमी होगी ना भाई, ठीक है. तो मेरी इफिशियंसी हमेशा मैक्सिमम इफिशियंसी तो कमी होने वाली है कोई भी इसकी इफिशियंसी. तो 2/5 शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस T2/T1. यहां से T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू 300 डाल दो, तुम्हारा आंसर आएगा T1 मिनिमम, समझे भाई. मतलब थोड़ा सा ये इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन हो गया, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है. तो 1 माइनस मतलब T2/T1 को यहाँ पे लेके आओ, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 2/5, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/5, और इसके बाद T1 जो है, T1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, नहीं T1 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है अपने को, T2 की वैल्यू डाल दो 300, तो T2 की वैल्यू यहाँ पे 300 केल्विन डाल दो, ठीक है. और T1 वहां पे लेके जाओ, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, T1 जो पे यहाँ पे आंसर है, T1 आएगा 500, राइट. समझ में आ रहा है क्या? तो T1 की मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, T1 की मिनिमम वैल्यू कितनी आई, 500. अब सिंपल सी बात एकदम, मैं ये ना कुछ कुछ नीट वाले लोगों ने ये सब इक्वल टू ग्रेटर देन वाला साइन ना अच्छा नहीं लगता, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली इक्वेट कर दो, ये एन मैक्स एन इन इक्वेट कर दो, तुमको डायरेक्टली T1 की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, समझे. समझे, क्योंकि ये जो चीज था ये कारनॉट ने बताया था, ये कारनॉट ने बताया था, ये कारनॉट इंजन कारनॉट साइकिल से बताया था, मैंने इसका अभी तक डेरिवेशन नहीं बताया, ठीक है. ये एक्चुअली क्वेश्चन के रूप में मैं बता दूंगा हीट ट्रांसफर के सेकंड लेक्चर में, थोड़ा सा आपको याद रहेगा तब चीजों, थोड़ा सा रिविजन हो भी हो जाएगा, ठीक है. कारनॉट साइकिल का ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, ठीक है, अभी के लिए डायरेक्टली याद रख लो. समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है. भाई T1 जो है, एक मिनट, मैंने कुछ गलती किया क्या सर? वो T1 ग्रेटर देन इक्वल टू 500 आएगा ना? यस सर. हाँ सॉरी सॉरी, उल्टा किया, मतलब ये समझ जाओ यार, ठीक है, सॉरी सॉरी. ठीक है, हो गया गाइस, ये हो गया. देखो ये जो इनइक्वालिटी मैंने यहाँ पे सॉल्व की, इनइक्वालिटी मत लिखो आप लोग, नीट वाले लोग डायरेक्ट कर दो, डायरेक्टली आपके 2/5 = 1 - T2/T1 कर लो, वहां से आंसर आ जाएगा, वो आंसर सही आएगा, ठीक है. मतलब कुछ लोगों को ज्यादा लॉजिक बिजिक लगाना नहीं है, इनइक्वालिटी वगैरह नहीं जानता, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट इन दोनों को इक्वल इक्वेट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक है. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया सर. ये वाला करो जरा, ये वाला कर लो. फ्री एक्सपांशन बचा है, एक्चुअली फ्री एक्सपांशन होता है ना, फ्री एक्सपांशन गैस का, मतलब वैक्यूम में एक्सपांशन जब होता है, और कारनॉट इंजन का वो डेरिवेशन, ये दो चीजें मैं बाद में बता दूंगा आपको. ये 10th ये वाला कर लो.
सर बोलो तो वो टेम्परेचर एट सी 500 केल्विन है क्या टेम्परेचर एट सी पॉइंट ग्राफ में 500 है या वो बीच में किधर तो 500 नहीं 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 वो 500 नहीं है कुछ अलग ही है ओके ओके ऊपर जा रहा है वो ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है मतलब इजी है लेकिन तुम लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो आंसर आ जाएगा मैंने थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन ही डाले क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स में मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ठीक है हाँ बी पे 500 है बी पे सी पे नहीं तो कैसा होता है ना गाइस क्वेश्चन जितने करोगे उतने कम है ठीक है तो अभी पहले एटलीस्ट थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली चीजों को समझो क्वेश्चंस अपन जितने करेंगे उतने कम है हीट एंड थर्मो में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो दिमाग को खराब करते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं ठीक है ये क्वेश्चंस कंबाइन है ये क्वेश्चंस मैंने एच सी वर्मा से लिए है कुछ क्वेश्चन डीसी पांडे से लिए है कुछ क्वेश्चन मैंने आशीष अरोरा से लिए है तो अलग 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 जगह से फिजिक्स गैलेक्सी से कुछ क्वेश्चन तो अलग अलग जगह से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं ठीक है कहीं यहां पे सब लोग देखो तो साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी है साइक्लिक प्रोसेस है ठीक है मोल्स कितने दिए नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए 2 ठीक है अ टोटल ऑफ 1200 जूल ऑफ हीट इज विथड्रॉन फ्रॉम द सैंपल तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है -1200 जूल समझ में आ रहा है क्या फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग पार्ट बी सी इस बी सी में कितना वर्क डन होगा अब मुझे फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू कितना होगा 0 तो अब एकदम सिंपल सी बात डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हम डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिखेंगे तो डेल्टा यू तो 0 हो गया ये हो गया -1200 अब वर्क डन टोटल वर्क डन क्या होगा वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी प्लस वर्क डन इन क्या सी ए तो मुझे बताओ पहले तो सबसे इजी वर्क कौन सा है भाई सीए देखो सीए का तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना जो भी वॉल्यूम है पता नहीं कौन सा वॉल्यूम है लेकिन कांस्टेंट है तो वर्क डन इन सीए कितना हो गया 0 आइसोकोरिक है राइट समझ में आ रहा है क्या यस सर मैंने टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ है देखो पीवी ग्राफ तो आप फटाफट कर लेते हो लेकिन ये वाले ग्राफ में वर्क डन इन सीए तो भाई क्या हो गया 0 हो गया वर्क डन इन बीसी तो अपने को निकालना है ये तो क्वेश्चन है अब वर्क डन इन एबी अपने को पता चल गया अपना काम हो गया अब वर्क डन इन एबी कैसे पता चलेगा वर्क डन एबी आप देखोगे तो ये जो लाइन है देखो ना यहाँ पे दिया है ये ओरिजिन से जा रहा है तो टेम्परेचर द पीवी इज इक्वल टू एनआर टी में ये टेम्परेचर वॉल्यूम इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया प्रेशर क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया तो एबी जो है ना ये आइसोबारिक प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस है समझना जरूरी है आपको प्रेशर कांस्टेंट है वहां पे ठीक है अब मुझे एक बात बताओ सिंपल सी बात आइसोबारिक में वर्क डन क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट होता है वर्क डन क्या होता है पी इंटू डेल्टा वी होता है ना गाइस यस सर यहाँ पे लिख देता हूँ पी इंटू डेल्टा वी होता है ना अब मुझे एक बात सिंपल सी बात बताओ आइसोबारिक में वर्क डन इन ए बी क्या होगा पी इंटू डेल्टा वी ठीक है पी इंटू डेल्टा वी ठीक है अब एक काम करते हैं सब लोग सुनो सब लोग यहाँ पे सुनो ठीक है वॉल्यूम V1 लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम V2 लेते हैं P इंटू V2 माइनस V1 ऐसा होगा कि नहीं होगा अब P इंटू V2 माइनस V1 को क्या हम लोग लिख सकते हैं एन आर टी टू माइनस टी वन यस सर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते यस सर लिख सकते
अब मुझे बताओ एन आर टी टू माइनस टी वन, टी टू दिया है टी वन दिया है, काम हो गया कि नहीं हुआ? हुआ ना। देखो कभी कभी, देखो कभी कभी आइसोबारिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पी इंटू वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू एन आर टी टू माइनस टी वन लिख सकते हैं। तो एन आर, एन मतलब कितना है, टू मोल्स है, आर टी टू माइनस टी वन कितना है, 500 माइनस 300, बस तुम्हारा आ गया आर का वैल्यू 8.74 डाल दो, यहाँ पे डाल दो वर्कडन बाय एचसीएफ बीसी आ गया ना गाइस। यस सर, समझे, बस इससे करना है तुमको, खत्म, बात कुछ ज्यादा नहीं दिमाग लगाओ। तो वर्क टेंथ वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो मेरे कौन से दो पार्ट जो छोटे से बचे, मतलब एक्चुअली एक प्रूफ करना है कार्नोट साइकिल के लिए, और फ्री एक्सपांशन मतलब वैक्यूम में कैसे एक्सपांड होता है, ठीक है? क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे लोग इस टाइम तक ना सब छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत सारे लोग, कम लोग का इंटरेस्ट होता है, तो बहुत सारे लोग लीव कर देते हैं लेक्चर, और वो शायद से बाद में देखते हैं, ठीक है, शायद से। तो पहले मुझे बताओ क्वेश्चन कैसे करने हैं, वो अप्रोच समझ में आ रही है कैसे करने होते क्वेश्चन? यस सर, समझ। कैसे हमेशा अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैंडी रखना होता है, ठीक है? यस सर। और छोटा मोटा जो है वर्क डन इन बीसी, एबी, बीसी ऐसा सब करते रहना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी हैंडी रखना होता है, कुछ कुछ प्रोसेस हैंडी रखनी होती है, तो जिससे आप ना अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है? यस सर। आगे, इसका आंसर -1533 जूल्स है क्या? नहीं वो नहीं पता अभी, तुम इतना के कर लो, 4533 जूल्स है, -4533। अभी सर एकदम इजी इजी क्वेश्चंस हैं सर। और कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अभी बताओ, कितने करने तुमको? ये वाला करो जरा, क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा सा एडियाबेटिक का भी, एडियाबेटिक का भी तो करते हैं। क्या यूज करोगे इसमें गाइस, क्या यूज करोगे भाई? गामा की वैल्यू कितनी दी है, कितनी दी है, 1.5, मतलब अपन 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे वॉल्यूम V1 दिया है, देखो V इनिशियल वॉल्यूम है 16, V फाइनल वॉल्यूम है 12, ठीक है, लीटर्स, राइट? एडियाबेटिकली फ्रॉम, एडियाबेटिक फ्रॉम, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ मुझे? PV to the power gamma, मतलब P initial, V initial to the power gamma is equal to P final, V final to the power gamma. Find the ratio of the final and initial pressure. So P final by P initial की value कितनी होगी? V initial by V final to the power gamma. ठीक है, अब V initial, V final आपको पता है 16/12 to the power 3/2. ये मेरा आंसर होगा, समझे? Yes sir. तो क्यूब करके स्क्वायर रूट कर लो, ठीक है? पहले स्क्वायर रूट, मतलब क्यूब करके स्क्वायर रूट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? चेक करके दे, मतलब 4 4 4 3 3 आया, हाँ कितना आया? 8/3√3, हाँ तो जो भी है, ठीक है, ठीक है, तो इसका 3/2 ये आ गया। और सिमिलरली टेम्परेचर का भी चाहिए, तो टेम्परेचर के लिए क्या यूज करना पड़ेगा गाइस? टेम्परेचर के लिए कौन सा वाला? टेम्परेचर करना है एंड वॉल्यूम, तो पी को रिप्लेस करेंगे, हाँ ठीक है, तो पी को रिप्लेस करो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बराबर ना? तो एनआरटी, एनआरटी बाई वी, तो एनआर मतलब टी टू द पावर क्या, वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा ना, देखो तभी डिराइव कर देने का, पी टू द पावर गामा से डिराइव कर दो, इससे आपका वो आ जाएगा, मतलब गामा माइनस वन, 3/2 माइनस वन, तो 1/2,
मतलब एक डायरेक्टली स्क्वायर रूट आ जाएगा, समझे, फाइनल टेम्परेचर बाई इनिशियल टेम्परेचर, समझे कैसे करना है, मतलब एडियाबेटिक का क्वेश्चन आया तो ऐसा है। और ध्यान में रखना कोई भी सडन प्रोसेस होगी ना, सडन ऐसा मैं सडन प्रोसेस मतलब क्या, सपोज टायर सडनली बस्ट हुआ, ठीक है, तो कोई भी सडन प्रोसेस एडियाबेटिक होती है, ठीक है, कोई भी सडन प्रोसेस एडियाबेटिक होती है, और धीरे 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 करके जाएंगे अपन टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखेंगे तो आइसोथर्मल हो सकती है, ठीक है। तो ये कभी कभी ना मतलब वो आता है, ठीक है, लेकिन सडन प्रोसेस हमेशा एडियाबेटिक होगी, दिमाग में रखो, क्योंकि वहां पे कोई भी नेचर इधर उधर से कहीं से भी हीट नहीं आएगा, टाइम ही नहीं मिलेगा हीट आने को, ठीक है। क्वेश्चन शायद से मैंने डाला हुआ इस तरीके, ये समझ में आ रहा है, ये तो कुछ दिक्कत नहीं था ना, इसमें हो गया ना आपका ये? यस सर, समझा। फाइंड द टोटल वर्क डन, अब ये एडियाबेटिक का तुम, हाँ चलो ये करो, ये 21 देखो जरा एक बार, सौ क्वेश्चन एक मिनट दिखाओ ना, उसका स्क्रीनशॉट लेना। हाँ क्या बोल रहा हूँ सर, लास्ट क्वेश्चन दिखाओ ना, उसका स्क्रीनशॉट लेना। हाँ लास्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट का क्वेश्चन कर लेते इसके बाद। सो उसमें तो ओरली आएगा ना टोटल वर्क डन जीरो, क्योंकि वो साइक्लिक प्रोसेस जैसा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं डायरेक्ट मत बोलना, ये हो गया, आगे कर, वापस देख, ऐसा मत बोलना, एक आइसोथर्मल ही है, एक एडियाबेटिकली है। ओ राइट सॉरी, देखो यहाँ पे सब लोग, प्रेशर वॉल्यूम मैंने बना दिया ग्राफ, डायटोमिक गैस इज आइसोथर्मली एक्सपांडेड एट 27 डिग्री, तो ये आइसोथर्मली एक्सपांड हुआ है, ठीक है। ये टेम्परेचर सपोज लेट्स से मैंने लिखा 300 केल्विन है 27 डिग्री मतलब, ठीक है, टिल द वॉल्यूम इज डबल्ड, ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम मैंने वी नॉट लिखा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पे 2V0, एंड देन इट इज एडियाबेटिकली कंप्रेस टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो मुझे होता कंप्रेस किया तो कैसे जाएगा, समझ में आया क्या? नहीं यस सर, ऐसे किया और फिर एडियाबेटिकली कंप्रेस टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब इधर तक इस तरीके से आया, तो टोटल वर्क डन जीरो हो रहा है क्या यहाँ पे? तो मेरा टोटल वर्क डन निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? Negative. हाँ निगेटिव होगा, राइट, समझ में आ रहा है ना ये सब चीज का? Yes, तो पहले वर्क, हाँ तो वर्क डन सपोज मैंने एक काम करता हूँ, ए इधर बी लिखता हूँ और सी लिखता हूँ, तो वर्क डन इन ए बी क्या होता है तुमको सबको पता ही है, ठीक है, वर्क डन इन ए बी क्या लिखते हैं अपन, एन आर टी, ठीक है, डायटोमिक गैस वगैरह सब कुछ तो पता है, एनआरटी ln ऑफ V2 बाय V1, ठीक है, तो ये इससे निकाल दो। वर्क डन बीसी कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन भाई? वो P1V1 - P2V2 / γ-1 यूज कर लो, या फिर NRT2/T1 यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर दिए ना। यस सर, लेकिन निकालना पड़ेगा गाइस, वो निकालना पड़ेगा, टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, टेम्परेचर पता नहीं है निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये एक है, यहाँ पे टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, मतलब वो TV^γ वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, TV^γ-1 = constant वाला फॉर्मूला लगा के आपको टेम्परेचर निकालने पड़ेंगे और डालने पड़ेंगे, ठीक है, सिंपल। ये आप लोग मतलब ट्राई मार लो, ठीक है। ये पीपीटी के सारे क्वेश्चंस मैंने एक 17-18 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ फिजिक्स गैलेक्सी से मैंने लिए हुए, कुछ क्वेश्चंस एक्सियोरमा से लिए हुए, सारे के सारे क्वेश्चंस ट्राई मारने की कोशिश करना, बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। सो ये TIVI^γ-1 = TFVF टू द, अच्छा हाँ वही सॉरी, ठीक है चलो, काफी हो गया, मतलब आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं? यस सर। तो अभी क्या है ना, खुद थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लो, अलग अलग सॉल्ड एग्जांपल देख लो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का मैं एक आध लेक्चर मेरा फिर निहाल सर का सबका मैं रखूंगा क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर,
ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर तो मैं वेव्स का भी मुझे एक्चुअली लेक्चर रखना है, वेव्स का क्वेश्चन सॉल्विंग, हीट एंड थर्मल क्वेश्चन सॉल्विंग, मैकेनिक्स चलता ही रहेगा, तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लेक्चर तो होते रहेंगे बाद में गाइस, ठीक है। आपको बताना, एक बार पोर्शन खत्म होने का सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के ही लेक्चर्स होने वाले आपके एक साल आगे के, एटलीस्ट 5 से 6 महीने, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग ही करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तो खत्म हो चुका है, हीट ट्रांसफर अपना बचा हुआ है, ठीक है। ओके सर, तो मिलते हैं गाइस, बाय बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय गाइस, बाय सर, थैंक यू सर, बाय गाइस। हां बोलो सर। सर फॉर द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड लास्ट टाइम, सर द प्रोसेस इज नॉन एडियाबेटिक बिकॉज़ वी आर विथ रिस्पेक्ट टू इनर कंटेनर राइट, बिकॉज़ उसी में हमारी गैसेस फील्ड है। ऋतुजा ऋतुजा सुनो, अभी ज्यादा सोच मत, कोई भी गैस होगी उसको हीट तूने दी इसका मतलब वो नॉन एडियाबेटिक हो गई, ठीक है। अब वो हीट बाहर से दे, अंदर से दे, कहीं से भी दे, ठीक है, हीट तूने दी ना उसको इसका मतलब एडियाबेटिक हो गया। अब तूने पूरा सिस्टम को कंसिडर किया, मतलब वो अंदर वाली गैस बाहर वाली गैस दोनों को तूने ऐसा सिस्टम कंसिडर किया तो हीट थोड़ी दिया एक्सटर्नल, तो सिस्टम तूने एफबीडी का भी तो माहौल देखा होगा राइट, वन ब्लॉक सिस्टम, टू ब्लॉक सिस्टम, और टू ब्लॉक सिस्टम को तूने कंसिडर किया सिस्टम तो अंदर के फ्रिक्शन दूसरे को कैंसिल कर देते हैं राइट। हाँ सर, तो सिस्टम किसको कंसिडर करते हैं उसके ऊपर, अब तूने सिर्फ गैस वन है मतलब जो एक बॉडी में उसको ही सिर्फ कंसिडर किया तो उसके पास तो हीट आने वाली है तो वो नॉन एडियाबेटिक हो गया, लेकिन तूने गैस वन एंड गैस टू दोनों को सिस्टम में पूरा एक साथ कंसिडर कर दिया तो देयर इज नो हीट ट्रांसफर, हीट हीट आने एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, बाहर से कोई हीट आ रही है कि एक्स्ट्रा नहीं आ रही है ना, ठीक है। या नो सर, तो ऐसा करके सोचने का सर, सर अभी जो हमने सम किया 21 वाला बाय गाइस सर, उसमें सर जो पीवी रेस टू गामा कांस्टेंट है ना, तो उससे सर हम फाइनल प्रेशर निकाल के मतलब ऐसा कर सकते हैं क्या, जो वोल्डन का फार्मूला है। बट ये टीवी रेस टू गामा माइनस 1 से डायरेक्टली आएगा ना टेम्परेचर, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देन यू हैव टू यूज द डिफरेंट फार्मूला फॉर वर्क फॉर एडियाबेटिक। हां मतलब वही ना अक्षय, की पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वाला गामा अपॉन माइनस 1 दोनों। चलो गाइस, चलो गाइस, वो तो अरे तुम करो क्वेश्चन करो, वो तो मैंने मतलब ऐसे ही बताया, वो तो उसके तो बहुत सारे वेज होंगे करने के लिए, ठीक है, मैं पीपीटी आपको भेज दूंगा सर। और सेंटर ऑफ मास का आप लेने वाले थे ना लेक्चर, सेंटर ऑफ मास कौन अजिंक्य तू बोल रहा है? हां सर, वैश्विक आपने दिया नहीं था ना कोलिजन का, वो लास्ट लेक्चर सब खराब हो गया था ना सर। तू क्या पढ़ने वाला आदमी है, पूरा का पूरा मेरा वो दिया हुआ है ना ऑलरेडी, या फिर जाके अपने जेवाईसी का वीडियो देख ले। हाँ सर, मतलब सर वो कंप्लीट कर दिया है, मतलब जो नोट्स वगैरह और जो सीखना था ना वो हो गया सर, पर लाइक क्वेश्चन सॉल्विंग का मतलब जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना वो। हाँ तो तू एक बार एचसीएल में सॉल्व तो कर ले पूरा। ओके सर, कंसेप्ट तेरे हो गए होंगे क्लियर, तो इस स्टेज पे तेरे को अभी एचसीएल में हो जाएगा सॉल्व, ट्राई तो मार, फिर रखेंगे। हाँ जब रखेंगे तब रखेंगे, अभी वो टाइम मतलब मेरे वो टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे लेक्चर्स हैं समझे, तो पहले वो कर लो उसके हाँ बाद देखते हैं अपन। सर सर वो हमारा एंगुलर इंपल्स का भी बाकी था मतलब वो केसेस वगैरह। हाँ वो तो सब बाकी, वो तो भाई वो तो वो सब इसमें बाकी है अपने। ओके, वो तो मतलब वो तो मेरे को पढ़ाना मतलब वो तो एडवांस प्लस बैच में मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, ठीक है। ओके सर, चलेगा, बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, बाय बाय सर, बाय बाय बाय। सर आपने वो कल वीडियो डाला उसका कमेंट्स ऑन कीजिए ना, क्या सॉल्व क्या कर दीजिए, कमेंट सेक्शन उसका ऑफ है तो वो ऑन कर दीजिए सर, आपके वीडियोस किड्स के लिए है सब। हां उसने किया है, कुछ और भी कुछ होगा तो बता दो सर, ओके मैं उसको बोलता हूँ अभी, अभी बोलता हूँ आप उसका शूट क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो क्या, मतलब अभी वो 480p है तो आप मतलब 1080p या फिर 780p तक उसको ये कर सकते हो क्या 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 क्या
उसका क्वालिटी आप इंक्रीज कर सकते हो क्या वीडियो का, मतलब अभी वो 480p पे प्ले होता है तो 720p पे या फिर 1080p पे, वो HD में ये नहीं हो रहा है सर, प्ले नहीं होता है। ओके okay, वो नहीं पता मुझे, देखना पड़ेगा फिर, वो पूछना पड़ेगा जिसने। रिजोल्यूशन क्या? यस सर। ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं खुद ही देखता हूँ आज तुम जो दे रहे हो, एक दो फीडबैक तुम लिख के भेजो फिर मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ वही फीडबैक। चलेगा सर। चलो बाय सर, थैंक यू सर। बाय गाइस, बाय गाइस, थैंक यू सर, बाय गाइस।